नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम साउथ की सुपर हिट मूवी और डेसिंग सुपर स्टार जी हाँ दोस्तों महेश बाबू और कियारा आडवाणी, जिसमें प्रकाश राज ने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है, उसकी मूवी भारत अन्ने नेलू जी हाँ दोस्तों 2018 में रिलीज हुई है। पॉलिटिक्स पे बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है और इसे हिंदी लैंग्वेज के अंदर डेसिंग सीएम करके नाम से रिलीज किया गया है जी हाँ दोस्तों। और इसमें अच्छी तरह से पॉलिटिक्स में जो भी चल रहा है देश में उसके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया है। तो आइए दोस्तों इस मूवी का ऑडियंस रिव्यू चेक करते हैं अपन। लेकिन दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें जी हाँ दोस्तों। अगर आप महेश बाबू के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सेंसेबल मूवी अबाउट ए लीडर। आई लाइक द टैग लाइन ऑफ द मूवी, द गोल ऑफ रियल लीडर इज टू फॉर्म ए सोसाइटी दैट डजेंट नीड ए लीडर। प्लॉट, महेश बाबू होल्ड्स 5 ग्रेजुएट डिग्रीज इन UK, रिटर्न बैक इन टू इंडिया आफ्टर हियरिंग हिज फादर्स वॉज डेड ड्यू टू हेल्थ रीजन। सिंस हिज फादर वॉज चीफ मिनिस्टर्स गोट ए सिंगल वर्ड इज इनफ टू डिस्क्राइब द मूवी, शुड आई से फैंटेस्टिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। द स्टोरी नरेशन वॉज एट इट्स बेस्ट द वे कोरोडाला शिवा श्री सर्स एंड शोड एज वॉज आउटस्टैंडिंग। कमिंग टू सुपर स्टार महेश बाबू ही ऑलवेज परफॉर्म एट हिज बेस्ट एंड प्राउड टू बी ए फैन ऑफ हिम। हिज परफॉर्मेंस वेरी नाइस। भारत एने नेलू इज एवरी थिंग दैट वी फील शुड बी हैपन इन रियल पॉलिटिक्स लाइफ एंड इन आवर सोसाइटी, नॉट लाइक एनी अदर पॉलिटिक्स ड्रामाज। दिस मूवी कवर्स ए वेराइटी ऑफ टॉपिक्स एंड प्रॉब्लम्स दैट द गवर्नमेंट शुड बी सॉल्व इन द फर्स्ट प्लेस, बट द नेचर ऑफ द क्विड प्रो क्वो का हैपनिंग इन पॉलिटिक्स। ओके, बैंड डिलीवर्स ऑन ऑल 360 पैरामीटर्स ऑफ ए बैग ब्लॉकबास्टर फिल्म। इट हैज़ एवरीथिंग वर्किंग इट इन इट फेवर, बी इट द स्टार हीरो महेश बाबू हुज ब्रेजिली स्लीप्स इन टू द CM कैरेक्टर्स और प्रकाश राज प्लेइंग हिज रोल विथ अपोलोम एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। भारत अन्ने नेलू रिव्यू 4 out of 5 ओथ्स ग्रांटेड एंड एक्सपेक्टेशन प्रोमिस्ड वेल आफ्टर वॉचिंग शेखर्स मालूलाज लीडर्स इफ फेल्ट द मूवी माइट बी समथिंग ऑफ लाइक दैट बट इट्स नथिंग लाइक दैट। द स्टोरी बींग विद ए बॉय नेम्ड भारत ओके हु इज ऑफर्ड टू सीट द CM आफ्टर द डेथ ऑफ हिज प्रेजेंट CM फादर। ओके फाइनली सी ए पीपल्स फिल्म। आई डोंट नो मच अबाउट मेकिंग सिनेमा सो दैट आई डिडंट हैव ए राइट डिलीवर इट डीपली एज एन ऑडियंस फॉर एवरी सीन्स, स्पेशली द सीन रिगार्डिंग द मीडिया एंड न्यूज चैनल्स इज वेरी वेल प्रेजेंटेड। भारत एन नेलू ए परफेक्ट मूवी विच डील्स एंड कॉन्टेम्पलेटेड इशूज इन ए सबटेल बट टचिंग वे। द इशूज लाइक एजुकेशन, रूरल प्रॉब्लम्स एंड ट्रैफिक्स आर गिवन ए गुड एंड रियल सोल्यूशंस। दी सोल्यूशंस इफ रियली अडोप्टेड बाई एनी पोलिटिकल पार्टी माइट ब्रिंग ए वेरी वेरी गुड चांस इन द सोसाइटी। महेश बाबू अपियर्स वंस अगेन विथ ए सॉलिड परफॉर्मेंस एंड डिलीवर इट विथ इजी एंड हिज स्टाइलिश लुक, कलरफुल सॉन्ग्स एंड फ्यू पावर्स पैक डायलॉग्स सीन्स स्टैंड एज ए हाईलाइट फॉर द मूवी। सीन्स बिफोर इंटरवेल एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस सीन्स विल बी पंप अप द ऑडियंस फैंस अनडाउटेबली एंड कियारा आडवाणी इज वेरी नाइस इन दिस मूवी। बेस्ट फिल्म विथ पोलिटिकल थीम, दिस फिल्म मस्ट बी ए माइल स्टोन इन सुपर स्टार महेश बाबूज करियर। कोरोटाला शिवाज डायरेक्शन इज सुपर्ब एंड
किड्स विद इन 12 ईयर्स मे नॉट बी एबल अंडरस्टैंड द फिल्म कंसेप्ट बट आफ्टर वॉचिंग मूवी दे विल बिकमिंग सीएम एज दियर लाइफ गोल्स। ओके, आई वॉच दिस मूवी इन तमिल डेब्यूट वर्जन सो माई व्यूज विल ऑफेंडेड बाई तेलुगु फैंस ऑफ एम बी एंड डी एस पी प्रो एंड गुड कंसेप्ट। आई लव द लोकल गवर्नेंस कंसेप्ट बट वेरिड स्क्रिप्ट एंड स्क्रीन प्ले ग्रेट बैकग्राउंड स्कोर एंड वन वर्ड्स डिसअपॉइंटिंग apparently a political action drama but has rather political politics no drama. When you are making a movie based on politics at least to have some realism. Yes, I understand it's a mainstream movie so the CM need to dance, sing and even Boston Gone's single handily. ओके, भारत एने नेलू इज ए सुपर्ब मूवी स्पेशली द ऑल द सॉन्ग्स इन द मूवी इज वेरी वेल पोर्ट्रेड। यू कांट टेक ऑफ योर्स आईज फ्रॉम एम बी एंड ड्यूरिंग दिस सॉन्ग्स। दिस मूवी इज ए पोलिटिकल ड्रामा। सी एम्स रोल इज न्यू टू एम बी सर्स। एवरी वन एंजॉय वॉचिंग हिम एज सी एम इन मूवी and he has given his best especially the press meeting scene. By far the best Mahesh Babu film ever. He is substantially the truly amazing and yet he make your eyes met with his emoting abilities and a very good concept come to taking up issues like these and challenging ideas of challenge through the idea the lead actor in his films Mahesh was dumb good. Okay friends, what a comeback King Mahesh. Movie was really inspiring for the future generations. His acting and speeches were the top notch. Story gave importance to every aspect in the society by taking about responsibility, awareness, fear and participation in a democracy as the citizen of it. He asked the cinema viewers, I watched the movie and this movie is a message oriented movie for politicians and the movie started with Mahesh Babu as a Bharat Ram and the fantastic role of Mr. Mahesh Ram. After watching this movie, Indian politics and for India, very nice movie, superb actions by Mahesh as CM, sensible directions and directed and detailed scripts and dialogues by directors and the best musician backgrounds and scores by DSP and Kiara's decent debut performance elevated by movies in top notch. Some scenes like assembly, official meetings are very very nice. Ben is one of the electric films and the Indian politics scenarios. Such a film happens once in a blue moon. The credit goes to both the directors and the protagonist equally as both of them exhibit a movie than what they are supposed to do. And the simple and classy hero entry Mahesh one of the main shows. Prakash Raj is usual goods, heroines is fine. I think this is the first kind of politics movie was which has no controversial scenes. Okay, I must say Bharat N.N. Nelu is a interesting and eye-catching political drama. There are many elements bends of society without giving a scope of path delivered visionary showed as the truth and so fairly that the actually is happening being the wall of the colored and all-time favorite films of mine. The best representation of how a CM should be and lot of respect and love for the film. True love is beautifully shown. The most impressive part of the movie
इज वेन महेश बाबू एड्रेस द मीडिया अबाउट हिज अफेयर विथ कियारा एंड दैट इज वासुमथीज डायलॉग्स वॉज ब्यूटिफुल एंड आई सोशीपेथ मैसेजिकल फिल्म एंड वॉज ए ओसम मूवी महेश एक्टिंग वॉज ए गुड स्टाइलिश एंड कियारा आडवाणी लुक प्रिटी वेरी वेरी नाइस। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम साउथ की सुपर हिट मूवी और डेसिंग सुपर स्टार जी हाँ दोस्तों महेश बाबू और कियारा आडवाणी, जिसमें प्रकाश राज ने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है, उसकी मूवी भारत अन्ने नेलू जी हाँ दोस्तों 2018 में रिलीज हुई है। पॉलिटिक्स पे बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है और इसे हिंदी लैंग्वेज के अंदर डेसिंग सीएम करके नाम से रिलीज किया गया है जी हाँ दोस्तों। और इसमें अच्छी तरह से पॉलिटिक्स में जो भी चल रहा है देश में उसके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया है। तो आइए दोस्तों इस मूवी का ऑडियंस रिव्यू चेक करते हैं अपन। लेकिन दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें जी हाँ दोस्तों। अगर आप महेश बाबू के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सेंसेबल मूवी अबाउट ए लीडर। आई लाइक द टैग लाइन ऑफ द मूवी, द गोल ऑफ रियल लीडर इज़ टू फॉर्म ए सोसाइटी दैट डजेंट नीड ए लीडर। प्लॉट: महेश बाबू होल्ड्स 5 ग्रेजुएट डिग्रीज इन UK, रिटर्न बैक इन टू इंडिया आफ्टर हियरिंग हिज फादर्स वॉज डेड ड्यू टू हेल्थ रीजन सिंस हिज फादर वॉज चीफ मिनिस्टर्स। गोट ए सिंगल वर्ड इज इनफ टू डिस्क्राइब द मूवी, शुड आई से फैंटेस्टिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। द स्टोरी नरेशन वॉज एट इट्स बेस्ट द वे कोरोटाला शिवा श्री सर्स एंड शोड एज वॉज आउटस्टैंडिंग। कमिंग टू सुपर स्टार महेश बाबू ही ऑलवेज परफॉर्म एट हिज बेस्ट एंड प्राउड टू बी ए फैन ऑफ हिम। हिज परफॉर्मेंस वेरी नाइस। भारत एन ए नेलू इज एवरी थिंग दैट वी फील शुड बी हैपन इन रियल पॉलिटिक्स लाइफ एंड इन आवर सोसाइटी, नॉट लाइक एनी अदर पॉलिटिक्स ड्रामाज। दिस मूवी कवर्स ए वेराइटी ऑफ टॉपिक्स एंड प्रॉब्लम्स दैट द गवर्नमेंट शुड बी सॉल्व इन द फर्स्ट प्लेस, बट द नेचर ऑफ द क्विड प्रो क्वो हैपनिंग इन पॉलिटिक्स। ओके, बैंड डिलीवर्स ऑन ऑल 360 पैरामीटर्स ऑफ ए बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म। इट हैज़ एवरीथिंग वर्किंग इट इन इट फेवर, बी इट द स्टार हीरो महेश बाबू हुज ब्रेजिली स्लीप्स इन टू द CM कैरेक्टर्स और प्रकाश राज प्लेइंग हिज रोल विथ अपोलोम एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। भारत अन्ने नेलू रिव्यू 4 out of 5 ओथ्स ग्रांटेड एंड एक्सपेक्टेशन प्रोमिस्ड वेल आफ्टर वॉचिंग शेखर्स मालूलाज लीडर्स इफ फेल्ट द मूवी माइट बी समथिंग ऑफ लाइक दैट बट इट्स नथिंग लाइक दैट। द स्टोरी बींग विद ए बॉय नेम्ड भारत ओके हु इज ऑफर्ड टू सीट द CM आफ्टर द डेथ ऑफ हिज प्रेजेंट CM फादर। ओके फाइनली सी ए पीपल्स फिल्म। आई डोंट नो मच अबाउट मेकिंग सिनेमा सो दैट आई डिडेंट हैव ए राइट डिलीवर इट डीपली एज एन ऑडियंस फॉर एवरी सीन्स, स्पेशली द सीन रिगार्डिंग द मीडिया एंड न्यूज चैनल्स इज वेरी वेल प्रेजेंटेड। भारत एन नेलू ए परफेक्ट मूवी विच डील्स एंड कॉन्टेम्पलेटेड इशूज इन ए सबटेल बट टचिंग वे। द इशूज लाइक एजुकेशन, रूरल प्रॉब्लम्स एंड ट्रैफिक्स आर गिवन ए गुड एंड रियल सोल्यूशंस। दी सोल्यूशंस इफ रियली अडोप्टेड बाई एनी पोलिटिकल पार्टी माइट ब्रिंग ए वेरी वेरी गुड चांस इन द सोसाइटी। महेश बाबू अपियर्स वंस अगेन विथ ए सॉलिड परफॉर्मेंस एंड डिलीवर इट विथ इजी एंड हिज स्टाइलिश लुक, कलरफुल सॉन्ग्स एंड फ्यू पावर्स पैक डायलॉग्स सीन्स स्टैंड एज ए हाईलाइट फॉर द मूवी। सीन्स बिफोर इंटरवेल एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस सीन्स विल बी पंप अप द ऑडियंस फैंस
अनडाउटेबली एंड कियारा आडवाणी इज़ वेरी नाइस इन दिस मूवी। बेस्ट फिल्म्स विथ पॉलिटिकल थीम, दिस फिल्म मस्ट बी ए माइलस्टोन इन सुपरस्टार महेश बाबूज करियर। कोरोटाला शिवाज डायरेक्शन इज सुपर्ब एंड किड्स विद इन 12 ईयर्स मे नॉट बी एबल अंडरस्टैंड द फिल्म कंसेप्ट बट आफ्टर वॉचिंग मूवी दे विल बिकमिंग सीएम एज दियर लाइफ गोल्स। ओके, आई वॉच दिस मूवी इन तमिल डेब्यूट वर्जन, सो माई व्यूज विल ऑफेंडेड बाई तेलुगु फैंस ऑफ एमबी एंड डीएसपीज प्रो एंड गुड कंसेप्ट। आई लव द लोकल गवर्नेंस कंसेप्ट बट वेरिड स्क्रिप्ट एंड स्क्रीन प्ले, ग्रेट बैकग्राउंड स्कोर एंड वन वर्ड्स डिसअपॉइंटिंग्स। अपरेंटली ए पोलिटिकल एक्शंस ड्रामा बट हैज़ रेदर पोलिटिकल पॉलिटिक्स नो ड्रामा। वैन यू आर मेकिंग ए मूवी बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स एटलीस्ट हैव सम रिलीज्म। यस आई अंडरस्टैंड इट्स ए मैन स्ट्रीम मूवी सो द सीएम नीड टू डांस सिंग एंड इवन बास्टेन गोन्स सिंगल हैंडली। ओके, भारत एने नेलू इज ए सुपर्ब मूवी, स्पेशली द ऑल द सॉन्ग्स इन द मूवी इज वेरी वेल पोर्ट्रेड। यू कांट टेक ऑफ योर्स आईज फ्रॉम एमबी एंड ड्यूरिंग दिस सॉन्ग्स। दिस मूवी इज ए पोलिटिकल ड्रामा, सीएम्स रोल इज न्यू टू एम्बिसर्स। एवरी वन एंजॉय वॉचिंग हिम एज सीएम इन मूवी एंड ही हैज़ गिवन हिज बेस्ट, स्पेशली द फ्रेश मीटिंग सीन्स। बाय फार द बेस्ट महेश बाबू फिल्म एवर, ही इज सबस्टेंटली द ट्रूली अमेजिंग एंड येट ही मेक योर आईज मेट विथ हिज इमोटिंग एबिलिटीज एंड वेरी गुड कंसेप्ट कम टू टेकिंग अप इशूज लाइक दिस एंड चैलेंजिंग आइडियाज ऑफ चैलेंज थ्रो द आइडिया द लीड एक्टर इन हिज फिल्म महेश वॉज डम गुड। ओके फ्रेंड्स, वॉट ए कम बैक किंग महेश मूवी वॉज रियली इंस्पायरिंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन। हिज एक्टिंग एंड स्पीचेज वर द टॉप नॉच, स्टोरी गेव इम्पोर्टेंस टू एवरी आस्पेक्ट इन द सोसाइटी बाई टेकिंग अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेयरनेस फियर एंड पार्टिसिपेशन इन ए डेमोक्रेसी एज द सिटीजन ऑफ इट। ही आल्स द सिनेमा व्यूअर्स द आई वॉचड द मूवी एंड दिस मूवी इज अ मैसेज ओरिएंटेड मूवी फॉर पॉलिटिशियंस एंड द मूवी स्टार्टेड विद महेश बाबू एज ए भारत राम एंड द फंटेस्टिक रोल ऑफ मिस्टर महेश राम। आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी आई इंडियन पॉलिटिक्स एंड इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड फॉर इंडिया, वेरी नाइस मूवी, सुपर्ब एक्शंस बाय महेश एज सीएम, सेंसिबल डायरेक्शंस एंड डायरेक्टेड एंड डिटेल्ड स्क्रिप्ट्स एंड डायलॉग्स बाय डायरेक्टर्स एंड द बेस्ट म्यूजिशियन बैकग्राउंड्स एंड स्कोर्स बाय डीएसपी एंड कियाराज डिसेंट डेब्यूट परफॉर्मेंस इलेवेटेड बाय मूवीज इन टॉप नॉच। Some scenes like assembly, official meetings are very very nice. Ben is one of the electric films and the Indian politics scenarios. Such a films happens once in a blue moon. The credit goes to both the directors and the protagonist equally, as both of them exhibition movie than what they are supposed to do and the simple and classy hero entry. Mahesh one of the main shows, Prakash Raj is usual goods, heroines is fine. I think this is the first kind of politics movie was which has no controversial scenes. Okay, I must say Bharat N. N. Nelu is a interesting and eye-catching political drama. There are many elements bends of society without giving a scope of path delivered visionary showed as the truth and so fairly that the actually is happening being the
वॉल ऑफ द कालेड एंड ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स ऑफ माइन, द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ ए सीएम शुड बी, एंड लॉट ऑफ एक्सपेक्ट रेस्पेक्ट एंड लव फॉर द फिल्म। ट्रू लव इज ब्यूटिफुली शोन। द मोस्ट इम्प्रेसिव पार्ट ऑफ द मूवी इज वैन महेश बाबू एड्रेस द मीडिया अबाउट हिज अफेयर विथ कियारा, एंड दैट इज वासुमथी डायलॉग्स वॉज ब्यूटिफुल, एंड आई सोशीपेथ मैसेज मैसेजिकल फिल्म एंड वॉज ए ओसम मूवी। महेश एक्टिंग वॉज ए गुड स्टाइलिश एंड कियारा आडवाणी लुक प्रिटी वेरी वेरी नाइस। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम साउथ की सुपर हिट मूवी और डेसिंग सुपर स्टार जी हाँ दोस्तों महेश बाबू और कियारा आडवाणी, जिसमें प्रकाश राज ने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है, उसकी मूवी भारत अन्ने नेलू जी हाँ दोस्तों 2018 में रिलीज हुई है। पॉलिटिक्स पे बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है और इसे हिंदी लैंग्वेज के अंदर डेसिंग सीएम करके नाम से रिलीज़ किया गया है जी हाँ दोस्तों। और इसमें अच्छी तरह से पॉलिटिक्स में जो भी चल रहा है देश में उसके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया है। तो आइए दोस्तों इस मूवी का ऑडियंस रिव्यू चेक करते हैं अपन। लेकिन दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें जी हाँ दोस्तों। अगर आप महेश बाबू के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सेंसेबल मूवी अबाउट ए लीडर। आई लाइक द टैगलाइन ऑफ द मूवी। द गोल ऑफ रियल लीडर इज़ टू फॉर्म ए सोसाइटी दैट डजेंट नीड ए लीडर। प्लॉट: महेश बाबू होल्ड्स 5 ग्रेजुएट डिग्रीज इन UK, रिटर्न बैक इन टू इंडिया आफ्टर हियरिंग हिज फादर्स वॉज डेड ड्यू टू हेल्थ रीजन सिंस हिज फादर वॉज चीफ मिनिस्टर्स। गोट ए सिंगल वर्ड इज इनफ टू डिस्क्राइब द मूवी। शुड आई से फैंटेस्टिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। द स्टोरी नरेशन वॉज एट इट्स बेस्ट। द वे कोरोटाला शिवा श्री सर एंड शोड एज वॉज आउटस्टैंडिंग। कमिंग टू सुपर स्टार महेश बाबू ही ऑलवेज परफॉर्म एट हिज बेस्ट एंड प्राउड टू बी ए फैन ऑफ हिम। हिज परफॉर्मेंस वेरी नाइस। भारत एन ए नेलू इज एवरी थिंग दैट वी फील शुड बी हैपन इन रियल पॉलिटिक्स लाइफ एंड इन आवर सोसाइटी। नॉट लाइक एनी अदर पॉलिटिक्स ड्रामाज दिस मूवी कवर्स ए वेराइटी ऑफ टॉपिक्स एंड प्रॉब्लम्स दैट द गवर्नमेंट शुड बी सॉल्व इन द फर्स्ट प्लेस बट द नेचर ऑफ द क्विड प्रो ओका हैपनिंग इन पॉलिटिक्स। ओके बैंड डिलीवर्स ऑन ऑल 360 पैरामीटर्स ऑफ ए बैग ब्लॉकबास्टर फिल्म। इट हैज़ एवरीथिंग वर्किंग इट इन इट फेवर बी इट द स्टार हीरो महेश बाबू हुज ब्रेजिली स्लीप्स इन टू द सीएम कैरेक्टर्स और प्रकाश राज प्लेइंग हिज रोल विथ अपोलोम एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। भारत अन्ने नेलू रिव्यू 4 out of 5 ऑथ्स ग्रांटेड एंड एक्सपेक्टेशन प्रोमिस्ड वेल आफ्टर वॉचिंग शेखर्स मालूलाज लीडर्स इफ फेल्ट द मूवी माइट बी समथिंग ऑफ लाइक दैट बट इट्स नथिंग लाइक दैट। द स्टोरी बींग विद ए बॉय नेम्ड भारत ओके हु इज ऑफर्ड टू सीट द सीएम आफ्टर द डेथ ऑफ हिज प्रेजेंट सीएम फादर। ओके फाइनली सी ए पीपल्स फिल्म। आई डोंट नो मच अबाउट मेकिंग सिनेमा सो दैट आई डिडंट हैव ए राइट डिलीवर इट डीपली एज एन ऑडियंस फॉर एवरी सीन्स स्पेशली द सीन रिगार्डिंग द मीडिया एंड न्यूज चैनल्स इज वेरी वेल प्रेजेंटेड। भारत एन नेलू ए परफेक्ट मूवी विच डील्स एंड कॉन्टेम्पलेटेड इशूज इन ए सबटेल बट टचिंग वे। द इशूज लाइक एजुकेशन रूरल प्रॉब्लम्स एंड ट्रैफिक्स आर गिवन ए गुड एंड रियल सोल्यूशंस। दी सोल्यूशंस इफ रियली अडोप्टेड बाय एनी पोलिटिकल पार्टी माइट ब्रिंग ए
वेरी वेरी गुड चांस इन द सोसाइटी। महेश बाबू अपियर्स वंस अगेन विथ ए सॉलिड परफॉर्मेंस एंड डिलीवर इट विथ इजी एंड हिज स्टाइलिश लुक, कलरफुल सॉन्ग्स एंड फ्यू पावर्स पैक डायलॉग्स सीन्स स्टैंड एज ए हाईलाइट फॉर द मूवी। सीन्स बिफोर इंटरवेल एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस सीन्स विल बी पम्प अप द ऑडियंस फैंस अनडाउटेबली। एंड कियारा आडवाणी इज़ वेरी नाइस इन दिस मूवी। बेस्ट फिल्म विथ पोलिटिकल थीम, दिस फिल्म मस्ट बी ए माइल स्टोन इन सुपर स्टार महेश बाबूज करियर। कोरोटाला शिवाज डायरेक्शन इज सुपर्ब एंड किड्स विद इन 12 ईयर्स मे नॉट बी एबल अंडरस्टैंड द फिल्म कंसेप्ट बट आफ्टर वॉचिंग मूवी दे विल बिकमिंग सीएम एज दियर लाइफ गोल्स। ओके, आई वॉच दिस मूवी इन तमिल डेब्यूट वर्जन सो माई व्यूज विल ऑफेंडेड बाई तेलुगु फैंस ऑफ MB एंड DSP इज प्रो एंड गुड कंसेप्ट। आई लव द लोकल गवर्नेंस कंसेप्ट बट वेरिड स्क्रिप्ट एंड स्क्रीन प्ले, ग्रेट बैकग्राउंड स्कोर एंड वन वर्ड्स डिसअपॉइंटिंग। Apparently a political action drama but has rather politics no drama. When you are making a movie based on politics at least to have some realism. Yes, I understand it's a mainstream movie so the CM need to dance, sing and even Bastian Gons single handily. ओके, भारत एने नेलू इज़ ए सुपर्ब मूवी, स्पेशली द ऑल द सॉन्ग्स इन द मूवी इज वेरी वेल पोर्ट्रेड। यू कांट टेक ऑफ योर्स आईज फ्रॉम MB एंड ड्यूरिंग दिस सॉन्ग्स। दिस मूवी इज ए पोलिटिकल ड्रामा, CM's रोल इज न्यू टू MB सर्स। एवरी वन एंजॉय वॉचिंग हिम ए CM इन मूवी and he has given his best, especially the fresh meeting scene. By far the best Mahesh Babu film ever. He is substantially the truly amazing and yet he make your eyes met with his emoting abilities and a very good concept come to taking up issues like these and challenging ideas of challenge through the idea the lead actor in his films. Mahesh was dumb good. Okay friends, what a comeback King Mahesh. Movie was really inspiring for the future generations. His acting and speeches were the top notch. Story gave importance to every aspect in the society by taking about responsibility, awareness, fear and participation in a democracy as the citizen of it. He asks the cinema viewers, I watched the movie and this movie is a message oriented movie for politicians and the movie started with Mahesh Babu as a Bharat Ram and the fantastic role of Mr. Mahesh Ram. After watching this movie, In Indian politics and for India, very nice movie, superb actions by Mahesh as CM, sensible directions and directed and detailed scripts and dialogues by directors and the best musician backgrounds and scores by DSP and Kiara's decent debut performance elevated by movies in top notch. Some scenes like assembly, official meetings are very very nice. Ben is one of the electric films and the Indian politics scenarios. Such a films happens once in a blue moon. The credit goes to both the directors and the protagonist equally as both of them exhibit a movie than what they are supposed to do and the simple and classy hero entry. Mahesh one of the main shows. Prakash Raj is usual goods, heroines is fine. I think this is the first kind of politics movie
वाज विच हैज़ नो कॉन्ट्रोवर्शियल चेंज। ओके आई मस्ट, भारत एनएनएलयू इज़ ए इंटरेस्टिंग एंड आई स्केचिंग पोलिटिकल ड्रामा। देर आर मैनी एलिमेंट्स बैंड सो सोसाइटी विदाउट गिविंग ए स्कोप ऑफ पाथ डिलीवर्ड विजनरी श्योर एज द ट्रूथ सो फेयरली दैट द एक्चुअली इज हैपनिंग बींग द वॉल ऑफ द कालेड एंड ऑल टाइम फेवरेट फिल्म ऑफ माइन द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ ए सी एम शुड बी एंड लॉट ऑफ एक्सपेक्ट रेस्पेक्ट एंड लव फॉर द फिल्म। ट्रू लव इज ब्यूटिफुली शोन। द मोस्ट इम्प्रेसिव पार्ट ऑफ द मूवी इज वैन महेश बाबू एड्रेस द मीडिया अबाउट हिज अफेयर विथ कियारा एंड दैट इज वासुमथीज डायलॉग्स वॉज ब्यूटिफुल एंड आई सोशीपेथ मैसेज मैसेजिकल फिल्म एंड वॉज ए ओसम मूवी। महेश एक्टिंग वॉज ए गुड स्टाइलिश एंड कियारा आडवाणी लुक प्रिटी वेरी वेरी नाइस। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम साउथ की सुपर हिट मूवी और डेसिंग सुपर स्टार, जी हाँ दोस्तों, महेश बाबू और कियारा आडवाणी, जिसमें प्रकाश राज ने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है, उसकी मूवी भारत अन्ने नेलू, जी हाँ दोस्तों, 2018 में रिलीज हुई है। पॉलिटिक्स पे बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है और इसे हिंदी लैंग्वेज के अंदर डेसिंग सीएम करके नाम से रिलीज़ किया गया है, जी हाँ दोस्तों। और इसमें अच्छी तरह से पॉलिटिक्स में जो भी चल रहा है देश में, उसके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया है। तो आइए दोस्तों, इस मूवी का ऑडियंस रिव्यू चेक करते हैं अपन। लेकिन दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। या दोस्तों, अगर आप महेश बाबू के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सेंसेबल मूवी अबाउट ए लीडर। आई लाइक द टैग लाइन ऑफ द मूवी। द गोल ऑफ रियल लीडर इज़ टू फॉर्म ए सोसाइटी दैट डजेंट नीड ए लीडर। प्लॉट: महेश बाबू होल्ड्स 5 ग्रेजुएट डिग्रीज इन यूके, रिटर्न बैक इन टू इंडिया आफ्टर हियरिंग हिज फादर्स वॉज डेड ड्यू टू हेल्थ रीजन सिंस हिज फादर वॉज चीफ मिनिस्टर्स। गोट ए सिंगल वर्ड इज इनफ टू डिस्क्राइब द मूवी। शुड आई से फैंटेस्टिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। द स्टोरी नरेशन वॉज एट इट्स बेस्ट। द वे कोरोडाला शिवा श्री सर्स एंड शोड एज वॉज आउटस्टैंडिंग। कमिंग टू सुपर स्टार महेश बाबू ही ऑलवेज परफॉर्म एट हिज बेस्ट एंड प्राउड टू बी ए फैन ऑफ हिम। हिज परफॉर्मेंस वेरी नाइस। भारत एने नेलू इज एवरी थिंग दैट वी फील शुड बी हैपन इन रियल पॉलिटिक्स लाइफ एंड इन आवर सोसाइटी। नॉट लाइक एनी अदर पॉलिटिक्स ड्रामाज, दिस मूवी कवर्स ए वेराइटी ऑफ टॉपिक्स एंड प्रॉब्लम्स दैट द गवर्नमेंट शुड बी सॉल्व इन द फर्स्ट प्लेस, बट द नेचर ऑफ द क्विड प्रो क्वो का हैपनिंग इन पॉलिटिक्स। ओके, बैंड डिलीवर्स ऑन ऑल 360 पैरामीटर्स ऑफ ए बैग ब्लॉकबास्टर फिल्म। इट हैज़ एवरीथिंग वर्किंग इट इन इट फेवर, बी इट द स्टार हीरो महेश बाबू हुज ब्रेजिली स्लीप्स इन टू द सी एम कैरेक्टर्स और प्रकाश राज प्लेइंग हिज रोल विथ अपोलोम एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। भारत अन्ने नेलू रिव्यू 4 out of 5 ऑथ्स ग्रांटेड एंड एक्सपेक्टेशन प्रोमिस्ड वेल आफ्टर वॉचिंग शेखर्स मालूलाज लीडर्स इफ फेल्ट द मूवी माइट बी समथिंग ऑफ लाइक दैट बट इट्स नथिंग लाइक दैट। द स्टोरी बींग विद ए बॉय नेम्ड भारत ओके हु इज ऑफर्ड टू सीट द सी एम आफ्टर द डेथ ऑफ हिज प्रेजेंट सी एम फादर। ओके फाइनली सी ए पीपल्स फिल्म। आई डोंट नो मच अबाउट मेकिंग सिनेमा so that I didn't have a right deliver it deeply as an audience for every scene, especially the scene regarding the media and news channels is very well presented. Bharat and Nelu, a perfect movie which deals and contemplated issues in a
सबटेल बट टचिंग वे द इश्यूज लाइक एजुकेशन, रूरल प्रॉब्लम्स एंड ट्रैफिक्स आर गिवन ए गुड एंड रियल सॉल्यूशंस. दी सॉल्यूशंस इफ रियली अडॉप्टेड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी माइट ब्रिंग ए वेरी वेरी गुड चांस इन द सोसाइटी. महेश बाबू अपियर्स वंस अगेन विथ ए सॉलिड परफॉर्मेंस एंड डिलीवर इट विथ इजी एंड हिज स्टाइलिश लुक, कलरफुल सॉन्ग्स एंड फ्यू पावर्स पैक्ड डायलॉग्स सीन्स स्टैंड एज ए हाईलाइट फॉर द मूवी. सीन्स बिफोर इंटरवेल एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस सीन्स विल बी पंप अप द ऑडियंस फैंस अनडाउटेबली. एंड कियारा आडवाणी इज़ वेरी नाइस इन दिस मूवी. बेस्ट फिल्म विथ पोलिटिकल थीम. दिस फिल्म मस्ट बी ए माइल स्टोन इन सुपर स्टार महेश बाबूज करियर. कोरोटाला शिवाज डायरेक्शन इज सुपर्ब एंड किड्स विद इन 12 ईयर्स मे नॉट बी एबल अंडरस्टैंड द फिल्म कंसेप्ट बट आफ्टर वॉचिंग मूवी दे विल बिकमिंग सीएम एज दियर लाइफ गोल्स. ओके, आई वॉच दिस मूवी इन तमिल डेब्यूट वर्जन सो माई व्यूज विल ऑफेंडेड बाई तेलुगु फैंस ऑफ MB and DSPs pro and good concept. I love the local governance concept but varied script and screenplay, great background score and one word's disappointing. Apparently a political actions drama but has rather politics no drama. When you are making a movie based on politics at least to हैव सम रिलीज्म. यस आई अंडरस्टैंड इट्स ए मैन स्ट्रीम मूवी सो द सी एम नीड टू डांस सिंग एंड इवन बास्टेन गोन्स सिंगल हैंडली. ओके, भारत एन ए नेलू इज ए सुपर्ब मूवी. स्पेशली द ऑल द सॉन्ग्स इन द मूवी इज वेरी वेल पोर्ट्रेड. यू कांट टेक योर्स कान टेक ऑफ योर्स आईज फ्रॉम MB एंड ड्यूरिंग दिस सॉन्ग्स. दिस मूवी इज ए पोलिटिकल ड्रामा. CM's रोल इज न्यू टू MB सर्स. एवरी वन एंजॉय वॉचिंग हिम एज CM इन मूवी एंड ही हैज़ गिवन हिज बेस्ट स्पेशली द फ्रेस मीटिंग सीन. बाय फार द बेस्ट महेश बाबू फिल्म एवर. ही इज सबस्टेंटली द ट्रूली अमेजिंग and yet he make your eyes met with his emoting abilities and a very good concept come to taking up issues like these and challenging ideas of challenge through the idea. The lead actor in his films Mahesh was dumb good. Okay friends, what a comeback King Mahesh. Movie was really inspiring for the future generations. His acting and speeches were the top notch. Story gave importance to every aspect in the society by taking about responsibility, awareness, fear and participation in a democracy as the citizen of it. He asked the cinema viewers, I watched the movie and this movie is a message oriented movie for politicians and the movie started with Mahesh Babu as a Bharat Ram and the fantastic role of Mr. Mahesh Ram. After watching this movie in Indian politics and for India, very nice movie, superb actions by Mahesh as CM, sensible directions and directed and detailed scripts and dialogues by directors. And the best musician backgrounds and scores by DSP and Kiara's decent debut performance elevated by movies in top notch. Some scenes like assembly official meetings are very very nice. Ben is one of the electric films and the Indian politics scenarios. Such a films happens once in a blue moon. The credit goes to both the directors and the
प्रोटोजीनियस्ट इक्वली एज बोथ ऑफ देम एक्सिबिट मूवी देन व्हाट दे आर सपोज टू डू एंड द सिंपल एंड क्लासी हीरो एंट्री महेश वन ऑफ द मैन शोज प्रकाश राज इज यूजुअल गुड्स हीरोइंस इज फाइन आई थिंक दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स मूवी वॉज विच हैज़ नो कॉन्ट्रोवर्शियल सीन्स ओके आई मस्ट भारत एन ए नेलू इज ए इंटरेस्टिंग एंड आईज कैचिंग पोलिटिकल ड्रामा देर आर मैनी एलिमेंट्स बैंड सो सोसाइटी विदाउट गिविंग ए स्कोप ऑफ पाथ डिलीवर्ड विजनरी श्योर एज द ट्रूथ सो फेयरली दैट द एक्चुअली इज हैपनिंग बींग द वॉल ऑफ द कालेड एंड ऑल टाइम फेवरेट फिल्म ऑफ माइन द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ ए सी एम शुड बी एंड लॉट ऑफ एक्सपेक्ट रेस्पेक्ट एंड लव फॉर द फिल्म ट्रू लव इज ब्यूटिफुली शोन द मोस्ट इम्प्रेसिव पार्ट ऑफ द मूवी इज वैन महेश बाबू एड्रेस द मीडिया अबाउट हिज अफेयर विथ कियारा एंड दैट इज वाशुमथीज डायलॉग्स वॉज ब्यूटिफुल एंड आई सोशीपेथ मैसेजिकल फिल्म एंड वॉज ए ऑसम मूवी महेश एक्टिंग वॉज ए गुड स्टाइलिश एंड कियारा आडवाणी लुक प्रिटी वेरी वेरी नाइस। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम साउथ की सुपर हिट मूवी और डैशिंग सुपर स्टार जी हाँ दोस्तों महेश बाबू और कियारा आडवाणी जिसमें प्रकाश राज ने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है उसकी मूवी भारत अन्ने नेलू जी हाँ दोस्तों 2018 में रिलीज हुई है। पॉलिटिक्स पे बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है और इसे हिंदी लैंग्वेज के अंदर डैशिंग सीएम करके नाम से रिलीज़ किया गया है जी हाँ दोस्तों। और इसमें अच्छी तरह से पॉलिटिक्स में जो भी चल रहा है देश में उसके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया है। तो आइए दोस्तों इस मूवी का ऑडियंस रिव्यू चेक करते हैं अपन। लेकिन दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें जी हाँ दोस्तों। अगर आप महेश बाबू के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सेंसेबल मूवी अबाउट ए लीडर। आई लाइक द टैग लाइन ऑफ द मूवी द गोल ऑफ रियल लीडर इज टू फॉर्म ए सोसाइटी दैट डजेंट नीड ए लीडर। प्लॉट महेश बाबू होल्ड्स 5 ग्रेजुएट डिग्रीज इन UK रिटर्न बैक इन टू इंडिया आफ्टर हियरिंग हिज फादर्स वॉज डेड ड्यू टू हेल्थ रीजन सिंस हिज फादर वॉज चीफ मिनिस्टर्स गोट ए सिंगल वर्ड इज इनफ टू डिस्क्राइब द मूवी शुड आई से फैंटेस्टिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी द स्टोरी नरेशन वॉज एट इट्स बेस्ट द वे कोरोडाला शिवा श्री सर्स एंड शोड एज वॉज आउटस्टैंडिंग कमिंग टू सुपर स्टार महेश बाबू ही ऑलवेज परफॉर्म एट हिज बेस्ट एंड प्राउड टू बी ए फैन ऑफ हिम हिज परफॉर्मेंस वेरी नाइस। भारत एन ए नेलू इज एवरी थिंग दैट वी फील शुड बी हैपन इन रियल पॉलिटिक्स लाइफ एंड इन आवर सोसाइटी नॉट लाइक एनी अदर पॉलिटिक्स ड्रामाज। This movie covers a variety of topics and problems that the government should be solved in the first place, but the nature of the quid pro quo happening in politics. Okay, band delivers on all 360 parameters of a big blockbuster film. It has everything working it in it favor. Be it the star hero Mahesh Babu who's brazily slips into the CM characters or Prakash Raj playing his role with aplomb and very very interesting. Bharat Anne Nelu review 4 out of 5 oaths granted and expectation promised well after watching शेखर्स मालूलाज लीडर्स इफ फेल्ट द मूवी माइट बी समथिंग ऑफ लाइक दैट बट इट्स नथिंग लाइक दैट द स्टोरी बींग विद ए बॉय नेम्ड भारत ओके हु इज ऑफर्ड टू सीट द CM आफ्टर द डेथ ऑफ हिज प्रेजेंट CM फादर ओके फाइनली सी ए पीपल्स फिल्म आई डोंट नो मच अबाउट मेकिंग सिनेमा so that I didn't have a right deliver to
डिलीवर इट डीपली एज एन ऑडियंस फॉर एवरी सीन्स स्पेशली द सीन रिगार्डिंग द मीडिया एंड न्यूज चैनल्स इज वेरी वेल प्रेजेंटेड. भारत एन नेलू ए परफेक्ट मूवी विच डील्स एंड कॉन्टेम्पलेटेड इशूज इन ए सबटेल बट टचिंग वे. द इशूज लाइक एजुकेशन, रूरल प्रॉब्लम्स एंड ट्रैफिक्स आर गिवन ए गुड एंड रियल सोल्यूशंस. दी सोल्यूशंस इफ रियली अडोप्टेड by any political party might bring a very very good chance in the society. Mahesh Babu appears once again with a solid performance and deliver it with easy and his stylish look, colorful songs and few powers packed dialogues scenes stand as a highlight for the movie. Scenes before interval and press conference scenes will be pump up the audience fans undoubtedly. And Kiara Advani is very nice in this movie. Best films with political theme. This film must be a milestone in superstar Mahesh Babu's career. Korotala Shiva's direction is superb and kids within 12 years may not be able to understand the film concept, but after watching movie they will becoming CM as their life goals. Okay, I watched this movie in Tamil debut version, so my views will offended by Telugu fans of MB and DSPs pro and good concept. I love the local governance concept, but varied script and screenplay, great background score and one word's disappointing. Apparently a political action drama, but has rather politics, no drama. When you are making a movie based on politics, at least to have some realism. Yes, I understand it's a mainstream movie, so the CM need to dance, sing and even Bastian Gons single handily. Okay, Bharat N.A. Nelu is a superb movie, especially all the songs in the movie is very well portrayed. You can't take off your eyes from MB and during this songs. This movie is a political drama. CM's role is new to MB sirs. Everyone enjoy watching him as CM in movie and he has given his best, especially the press meeting scene. By far the best Mahesh Babu film ever. He is substantially the truly amazing and yet he make your eyes met with his emoting abilities and a very good concept come to taking up issues like these and challenging ideas of challenge through the idea. The lead actor in his films, Mahesh, was dumb good. Okay friends, what a comeback King Mahesh. Movie was really inspiring for the future generations. His acting and speeches were the top notch. Story gave importance to every aspect in the society by taking about responsibility, awareness, fear and participation in a democracy as the citizen of it. He asked the cinema viewers, I watched the movie and this movie is a message oriented movie for politicians and the movie started with Mahesh Babu as a Bharat Ram and the fantastic role of Mr. Mahesh Ram. After watching this movie, in Indian politics and for India, very nice movie, superb actions by Mahesh as CM, sensible directions and directed and detailed scripts and dialogues by directors and the best musician backgrounds and scores by DSP and Kiara's decent debut performance elevated by movies in top notch. Some scenes like assembly official meetings are very very nice. Ben
वन ऑफ द इलेक्ट्रिक फिल्म्स एंड द इंडियन पॉलिटिक्स सिनेरियोज सच ए फिल्म हैपन्स वंस इन ए ब्लू मून. द क्रेडिट गोज टू बोथ द डायरेक्टर्स एंड द प्रोटोजीनियस्ट इक्वली एज बोथ ऑफ दैम एक्सेबिज मूवी देन वाट दे आर सपोज टू डू एंड द सिंपल एंड क्लासी हीरो एंट्री महेश वन ऑफ द मैन शोज प्रकाश राज इज यूजल गुड्स हीरोइंस इज फाइन. आई थिंक दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स मूवी वॉज विच हैज़ नो कॉन्ट्रोवर्शियल सीन्स. ओके आई मस्ट भारत एन ए नेलू इज ए इंटरेस्टिंग एंड आई स्केचिंग पोलिटिकल ड्रामा. देर आर मैनी एलिमेंट्स बैंड सो सोसाइटी विदाउट गिविंग ए स्कोप ऑफ पाथ डिलीवर्ड विजनरी श्योर एज द ट्रूथ सो फेयरली दैट द एक्चुअली इज हैपनिंग बींग द वॉल ऑफ द कालेड एंड ऑल टाइम फेवरेट फिल्म ऑफ माइन. द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ ए सी एम शुड बी एंड लॉट ऑफ एक्सपेक्ट रेस्पेक्ट एंड लव फॉर द फिल्म. ट्रू लव इज ब्यूटिफुली शोन. द मोस्ट इम्प्रेसिव पार्ट ऑफ द मूवी इज वैन महेश बाबू एड्रेस द मीडिया अबाउट हिज अफेयर विथ कियारा एंड दैट इज वासुमथीज डायलॉग्स वॉज ब्यूटिफुल एंड आई सोशीपेथ मैसेजिकल फिल्म एंड वॉज ए ओसम मूवी. महेश एक्टिंग वॉज ए गुड स्टाइलिश एंड कियारा आडवाणी लुक प्रिटी वेरी वेरी नाइस. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर. दोस्तों आज हम साउथ की सुपर हिट मूवी और डेसिंग सुपर स्टार जी हाँ दोस्तों महेश बाबू और कियारा आडवाणी जिसमें प्रकाश राज ने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है उसकी मूवी भारत अन्ने नेलू. जी हाँ दोस्तों 2018 में रिलीज हुई है. पॉलिटिक्स पे बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है. इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है और इसे हिंदी लैंग्वेज के अंदर डेसिंग सीएम करके नाम से रिलीज़ किया गया है. जी हाँ दोस्तों, और इसमें अच्छी तरह से पॉलिटिक्स में जो भी चल रहा है देश में उसके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया है. तो आइए दोस्तों इस मूवी का ऑडियंस रिव्यू चेक करते हैं अपन. लेकिन दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. जी हाँ दोस्तों, अगर आप महेश बाबू के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए. दोस्तों आइए दोस्तों शुरू करते हैं. सेंसेबल मूवी अबाउट ए लीडर. आई लाइक द tagline of the movie. The goal of real leader is to form a society that doesn't need a leader. Plot: Mahesh Babu holds 5 graduate degrees in UK, return back into India after hearing his father was dead due to health reasons. Since his father was chief minister, got a single word is enough to describe the movie. Should I say fantastic or extraordinary? The story narration was at its best. The way Korotala Shiva Sri Sir and showed as was outstanding. Coming to superstar Mahesh Babu, he always performed at his best and proud to be a fan of him. His performance very nice. Bharat Anne Nelu is everything that we feel should be happen in real politics life. And in our society, not like any other politics dramas, this movie covers a variety of topics and problems that the government should be solved in the first place. But the nature of the quid pro quo happening in politics, okay. Band delivers on all 360 parameters of a big blockbuster film. It has everything working in it favor, be it the star hero Mahesh Babu who's brazily slips into the CM characters or Prakash Raj playing his role with aplomb and very very interesting. Bharat Anne Nelu review 4 out of 5. Oaths granted and expectation promised well after watching Shekhar's Malula's leaders. If felt the movie might be something of like that, but it's nothing like that. The story being with a boy named Bharat, okay,
हु इज़ ऑफर्ड टू सीट द सीएम आफ्टर द डेथ ऑफ हिज प्रेजेंट सीएम फादर। ओके फाइनली सी ए पीपल्स फिल्म। आई डोंट नो मच अबाउट मेकिंग सिनेमा सो दैट आई डिडंट हैव ए राइट डिलीवर इट डीपली एज एन ऑडियंस फॉर एवरी सीन्स स्पेशली द सीन रिगार्डिंग द मीडिया एंड न्यूज चैनल्स इज़ वेरी वेल प्रेजेंटेड। भारत एन नेलू ए परफेक्ट मूवी विच डील्स एंड कॉन्टेम्पलेटेड इशूज इन ए सबटेल बट टचिंग वे। द इशूज लाइक एजुकेशन, रूरल प्रॉब्लम्स एंड ट्रैफिक्स आर गिवन ए गुड एंड रियल सोल्यूशंस। दी सोल्यूशंस इफ रियली अडोप्टेड बाय एनी पोलिटिकल पार्टी माइट ब्रिंग ए वेरी वेरी गुड चांस इन द सोसाइटी। महेश बाबू अपियर्स वंस अगेन विथ ए सॉलिड परफॉर्मेंस एंड डिलीवर इट विथ इजी एंड हिज स्टाइलिश लुक, कलरफुल सॉन्ग्स एंड फ्यू पावर्स पैक्ड डायलॉग्स सीन्स स्टैंड एज ए हाईलाइट फॉर द मूवी। सीन्स बिफोर इंटरवेल एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस सीन्स विल बी पंप अप द ऑडियंस फैंस अनडाउटेबली। एंड कियारा आडवाणी इज़ वेरी नाइस इन दिस मूवी। बेस्ट फिल्म विथ पोलिटिकल थीम। दिस फिल्म मस्ट बी ए माइल स्टोन इन सुपर स्टार महेश बाबूज करियर। कोरोटाला शिवाज डायरेक्शन इज सुपर्ब एंड किड्स विद इन 12 ईयर्स मे नॉट बी एबल अंडरस्टैंड द फिल्म कंसेप्ट बट आफ्टर वॉचिंग मूवी दे विल बिकमिंग सीएम एज दियर लाइफ गोल्स। ओके आई वॉच दिस मूवी इन तमिल डेब्यूट वर्जन सो माई व्यूज विल ऑफेंडेड बाई तेलुगु फैंस ऑफ एम बी एंड डी एस पी इज प्रो एंड गुड कंसेप्ट। आई लव द लोकल गवर्नेंस कंसेप्ट बट वेरिड स्क्रिप्ट एंड स्क्रीन प्ले, ग्रेट बैकग्राउंड स्कोर एंड वन वर्ड्स डिसअपॉइंटिंग्स। अपरेंटली ए पोलिटिकल एक्शन ड्रामा बट हैज़ रेदर पोलिटिकल पॉलिटिक्स नो ड्रामा। वैन यू आर मेकिंग ए मूवी बेस्ड ऑन पोलिटिक्स एटलीस्ट हैव सम रिलीज्म। यस आई अंडरस्टैंड इट्स ए मैन स्ट्रीम मूवी सो द सी एम नीड टू डांस सिंग एंड इवन बास्टेन गोन्स सिंगल हैंडली। ओके भारत एन ए नेलू इज ए सुपर्ब मूवी स्पेशली द ऑल द सॉन्ग्स इन द मूवी इज वेरी वेल पोर्ट्रेड। यू कांट टेक ऑफ योर्स आईज फ्रॉम एम बी एंड ड्यूरिंग दिस सॉन्ग्स। दिस मूवी इज ए पोलिटिकल ड्रामा। सी एम्स रोल इज न्यू टू एम बी सर्स। एवरी वन एंजॉय वॉचिंग हिम एज सी एम इन मूवी एंड ही हैज़ गिवन हिज बेस्ट स्पेशली द प्रेस मीटिंग सीन। बाई फार द बेस्ट महेश बाबू फिल्म एवर। हिज सबस्टेंटली द ट्रूली अमेजिंग एंड येट ही मेक योर आईज मेट विथ हिज इमोटिंग एबिलिटीज एंड वेरी गुड कंसेप्ट कम टू टेकिंग अप इशूज लाइक दिस एंड चैलेंजिंग आइडियाज ऑफ चैलेंज थ्रो द आइडिया द लीड एक्टर इन हिज फिल्म महेश वॉज डम गुड। ओके फ्रेंड्स वाट ए कम बैक किंग महेश। मूवी वॉज रियली इंस्पायरिंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन। हिज एक्टिंग एंड स्पीचेज वर द टॉप नॉच। स्टोरी गेव इम्पोर्टेंस टू एवरी aspect in the society by taking about responsibility, awareness, fear and participation in a democracy as the citizen of it. He asked the cinema viewers, I watched the movie and this movie is a message oriented movie for politicians and the movie started with Mahesh Babu as a Bharat Ram and the fantastic role of Mr. Mahesh Ram. After watching this movie in Indian politics and for India, very nice movie, superb actions by Mahesh as CM, sensible directions and directed and detailed scripts and dialogues by directors.
एंड द बेस्ट म्यूजिशियन बैकग्राउंड्स एंड स्कोर्स बाय डीएसपी एंड कियाराज डिसेंट डेब्यूट परफॉर्मेंस एलिवेटेड बाय मूवीज इन टॉप नॉच सम सीन्स लाइक असेंबली ऑफिशियल मीटिंग आर वेरी वेरी नाइस बैन इज वन ऑफ द इलेक्ट्रिक फिल्म्स एंड द इंडियन पॉलिटिक्स सिनेरियोज सच ए फिल्म हैपन्स वंस इन ए ब्लू मून द क्रेडिट गोज टू बोथ द डायरेक्टर्स एंड द प्रोटोजीनियस्ट इक्वली एज बोथ ऑफ दैम एक्सेबिज मूवी दैन द वट दे आर सपोज टू डू एंड द सिंपल एंड क्लासी हीरो एंट्री महेश वन ऑफ द मैन शोज प्रकाश राज इज यूजल गुड्स हीरोइंस इज फाइन आई थिंक दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स मूवी वॉज विच हैज़ नो कॉन्ट्रोवर्शियल सीन्स ओके आई मस्ट भारत एन ए नेलू इज ए इंटरेस्टिंग एंड आई स्केचिंग पोलिटिकल ड्रामा देर आर मैनी एलिमेंट्स बैंड सो सोसाइटी विदाउट गिविंग ए स्कोप ऑफ पाथ डिलीवर्ड विजनरी श्योर एज द ट्रूथ And so fairly that the actually is happening being the wall of the Khaled and all time favorite films of mine the best representation of how a CM should be and lot of respect and love for the film true love is beautifully shown the most impressive part of the movie is when Mahesh Babu addressed the media about his affair with Kiara and that is Vasumathi's dialogues was beautiful and I sociopath messageical film and was a awesome movie Mahesh acting was a good stylish and Kiara Advani looked pretty very very nice नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों आज हम साउथ की सुपर हिट मूवी और डैशिंग सुपर स्टार जी हाँ दोस्तों महेश बाबू और कियारा आडवाणी जिसमें प्रकाश राज ने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है उसकी मूवी भारत अन्ने नेलू जी हाँ दोस्तों 2018 में रिलीज हुई है पॉलिटिक्स पे बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है और इसे हिंदी लैंग्वेज के अंदर डैशिंग सीएम करके नाम से रिलीज़ किया गया है जी हाँ दोस्तों और इसमें अच्छी तरह से पॉलिटिक्स में जो भी चल रहा है देश में उसके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया है तो आइए दोस्तों इस मूवी का ऑडियंस रिव्यू चेक करते हैं अपन लेकिन दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें जी दोस्तों अगर आप महेश बाबू के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों आइए दोस्तों शुरू करते हैं सेंसेबल मूवी अबाउट ए लीडर आई लाइक द टैग लाइन ऑफ द मूवी द गोल ऑफ रियल लीडर इज टू फॉर्म ए सोसाइटी दैट डजेंट नीड ए लीडर प्लॉट महेश बाबू होल्ड्स 5 ग्रेजुएट डिग्रीज इन यू के रिटर्न बैक इन टू इंडिया आफ्टर हियरिंग हिज फादर्स वॉज डेड ड्यू टू हेल्थ रीजन सिंस हिज फादर वॉज चीफ मिनिस्टर्स गोट ए सिंगल वर्ड इज इनफ टू डिस्क्राइब द मूवी शुड आई से फैंटेस्टिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी द स्टोरी नरेशन वॉज एट इट्स बेस्ट द वे कोरोडाला शिवा श्री सर एंड शोड एज वॉज आउटस्टैंडिंग कमिंग टू सुपर स्टार महेश बाबू ही ऑलवेज परफॉर्म एट हिज बेस्ट एंड प्राउड टू बी ए फैन ऑफ हिम हिज परफॉर्मेंस वेरी नाइस भारत एन ए नेलू इज एवरी थिंग दैट वी फील शुड बी हैपन इन रियल पॉलिटिक्स लाइफ एंड इन आवर सोसाइटी नॉट लाइक एनी अदर पॉलिटिक्स ड्रामाज This movie covers a variety of topics and problems that the government should be solved in the first place, but the nature of the quid pro quo happening in politics. Okay. Band delivers on all 360 parameters of a big blockbuster film. It has everything working in it favor. Be it the star hero Mahesh Babu who's brazily sleeps into the CM characters or Prakash Raj playing his role with aplomb and very very interesting. Bharat Anne Nelu review 4 out of 5
ऑथ्स ग्रांटेड एन एक्सपेक्टेशन प्रोमिस्ड वेल आफ्टर वॉचिंग शेखर्स मालूलाज लीडर्स इफ फेल्ट द मूवी माइट बी समथिंग ऑफ लाइक दैट बट इट्स नथिंग लाइक दैट द स्टोरी बींग विद ए बॉय नेम्ड भारत ओके हु इज ऑफर्ड टू सीट द सीएम आफ्टर द डेथ ऑफ हिज प्रेजेंट सीएम फादर ओके फाइनली सी ए पीपल्स फिल्म आई डोंट नो मच अबाउट मेकिंग सिनेमा सो दैट आई डिडेंट हैव ए राइट डिलीवर इट डीपली एज एन ऑडियंस फॉर एवरी सीन्स स्पेशली द सीन रिगार्डिंग द मीडिया एंड न्यूज चैनल्स इज वेरी वेल प्रेजेंटेड भारत एन नेलू ए परफेक्ट मूवी विच डील्स एंड कॉन्टेम्पलेटेड इशूज इन ए सबटेल बट टचिंग वे द इशूज लाइक एजुकेशन रूरल प्रॉब्लम्स एंड ट्रैफिक्स आर गिवन ए गुड एंड रियल सोल्यूशंस दी सोल्यूशंस इफ रियली अडोप्टेड बाय एनी पोलिटिकल पार्टी माइट ब्रिंग ए वेरी वेरी गुड चांस इन द सोसाइटी महेश बाबू अपियर्स वंस अगेन विथ ए सॉलिड परफॉर्मेंस एंड डिलीवर इट विथ इजी एंड हिज स्टाइलिश लुक कलरफुल सॉन्ग्स एंड फ्यू पावर्स पैक डायलॉग्स सीन्स स्टैंड एज ए हाईलाइट फॉर द मूवी सीन्स बिफोर इंटरवेल एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस सीन्स विल बी पम्प अप द ऑडियंस फैंस अनडाउटेबली एंड कियारा आडवाणी इज वेरी नाइस इन दिस मूवी बेस्ट फिल्म विथ पोलिटिकल थीम दिस फिल्म मस्ट बी ए माइल स्टोन इन सुपर स्टार महेश बाबूज करियर कोरोटाला शिवाज डायरेक्शन इज सुपर्ब एंड किड्स विद इन 12 ईयर्स मे नॉट बी एबल अंडरस्टैंड द फिल्म कंसेप्ट बट आफ्टर वॉचिंग मूवी दे विल बिकमिंग सी एम एज दियर लाइफ गोल्स ओके आई वॉच दिस मूवी इन तमिल डेब्यूट वर्जन सो माई व्यूज विल ऑफेंडेड बाई तेलुगु फैंस ऑफ एमबी एंड डीएसपी इज प्रो एंड गुड कंसेप्ट आई लव द लोकल गवर्नेंस कंसेप्ट बट वेरिड स्क्रिप्ट एंड स्क्रीन प्ले ग्रेट बैकग्राउंड स्कोर एंड वन वर्ड्स डिसअपॉइंटिंग अपेरेंटली ए पोलिटिकल एक्शन ड्रामा बट हैज रेदर पोलिटिकल पॉलिटिक्स नो ड्रामा वैन यू आर मेकिंग ए मूवी बेस्ड ऑन पोलिटिक्स एटलीस्ट Have some realism. Yes, I understand it's a mainstream movie, so the CM need to dance, sing, and even Bastian Gons single handily. Okay, Bharat N.A. Nelu is a superb movie, especially all the songs in the movie is very well portrayed. You can't take yours. Can't take off your eyes from MB and during this songs this movie is a political drama CM's role is new to MB sirs everyone enjoy watching him as CM in movie and he has given his best especially the press meeting scene by far the best Mahesh Babu film ever he is substantially the truly amazing And yet he make your eyes met with his emoting abilities and a very good concept come to taking up issues like these and challenging ideas of challenge through the idea the lead actor in his films Mahesh was dumb good. Okay friends what a comeback King Mahesh. Movie was really inspiring for the future generations. His acting and speeches were the top-notch. Story gave importance to every aspect in the society by taking about responsibility, awareness, fear and participation in a democracy as the citizen of it. He asked the cinema viewers, I watched the movie and this movie is a message-oriented movie for politicians. Politicians and the movie started with Mahesh Babu as a Bharat Ram
एंड द फंटेस्टिक रोल ऑफ मिस्टर महेश राम। आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी आई इंडियन पॉलिटिक्स एंड इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड फॉर इंडिया, वेरी नाइस मूवी, सुपर्ब एक्शंस बाय महेश एज सीएम, सेंसिबल डायरेक्शंस एंड डायरेक्टेड एंड डिटेल्ड स्क्रिप्ट एंड डायलॉग्स बाय डायरेक्टर्स, एंड द बेस्ट म्यूजिशियन बैकग्राउंड्स एंड स्कोर्स बाय DSP एंड कियाराज, डिसेंट डेब्यूट परफॉर्मेंस एलिवेटेड बाय मूवीज इन टॉप नॉच। सम सीन्स लाइक असेंबली ऑफिशियल मीटिंग आर वेरी वेरी नाइस। बैन इज वन ऑफ द इलेक्ट्रिक फिल्म्स एंड द इंडियन पॉलिटिक्स सिनेरियोज, सच ए फिल्म हैपन्स वंस इन ए ब्लू मून। द क्रेडिट गोज टू बोथ द डायरेक्टर्स एंड द प्रोटोजीनियस्ट इक्वली, एज बोथ ऑफ दैम एक्सिबिट मूवी देन वाट दे आर सपोज टू डू, एंड द सिंपल एंड क्लासी हीरो एंट्री महेश वन ऑफ द मैन शोज, प्रकाश राज इज यूजल गुड्स, हीरोइंस इज फाइन। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स मूवी वॉज विच हैज़ नो कॉन्ट्रोवर्शियल सीन्स। ओके आई मस्ट से भारत एन ए नेलू इज ए इंटरेस्टिंग एंड आई स्केचिंग पोलिटिकल ड्रामा, देर आर मैनी एलिमेंट्स बैंड सोसाइटी विदाउट गिविंग ए स्कोप ऑफ पाथ डिलीवर्ड विजनरी श्योर एज द ट्रूथ एंड सो फेयरली दैट द एक्चुअली इज हैपनिंग बींग द वॉल ऑफ द कालेड एंड ऑल टाइम फेवरेट फिल्म ऑफ माइन, द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ ए CM शुड बी एंड लॉट ऑफ एक्सपेक्ट रेस्पेक्ट एंड लव फॉर द फिल्म। True love is beautifully shown. The most impressive part of the movie is when Mahesh Babu addressed the media about his affair with Kiara, and that is Vasumathi's dialogues was beautiful. And I sociopath messageical film and was a awesome movie. Mahesh acting was a good stylish and Kiara Advani looked pretty, very very nice. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम साउथ की सुपर हिट मूवी और डेसिंग सुपर स्टार जी हाँ दोस्तों महेश बाबू और कियारा आडवाणी, जिसमें प्रकाश राज ने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है, उसकी मूवी भारत अन्ने नेलू। जी हाँ दोस्तों 2018 में रिलीज हुई है, पॉलिटिक्स पे बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है और इसे हिंदी लैंग्वेज के अंदर डेसिंग CM करके नाम से रिलीज़ किया गया है। जी हाँ दोस्तों, और इसमें अच्छी तरह से पॉलिटिक्स में जो भी चल रहा है देश में उसके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया है। तो आइए दोस्तों इस मूवी का ऑडियंस रिव्यू चेक करते हैं अपन। लेकिन दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप महेश बाबू के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सेंसेबल मूवी अबाउट ए लीडर, आई लाइक द tagline of the movie, the goal of real leader is to form a society that doesn't need a leader. Plot: Mahesh Babu holds 5 graduate degrees in UK, returned back into India after hearing his father was dead due to health reasons. Since his father was chief minister, got a single word is enough to describe the movie, should I say fantastic or extraordinary. The story narration was at its best, the way Korodala Shiva Sri Sir and showed as was outstanding. Coming to superstar Mahesh Babu, he always performed at his best and proud to be a fan of him. His performance very nice. Bharat Anne Nelu is everything that we feel should be happen in real politics life and in our society. Not like any other politics dramas, this movie covers a variety of topics and problems that the government should be solved in the first place, but the nature of the quid pro quo happening in politics. Okay, Ben delivers on all 360 parameters of a big blockbuster film. It has everything working in it favor,
बी इट द स्टार हीरो महेश बाबू हुज ब्रेजिली स्लीप्स इनटू द सीएम कैरेक्टर्स, और प्रकाश राज प्लेइंग हिज रोल विथ अपोलोम एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। भारत अन्ने नेलू रिव्यू 4 out of 5 ओथ्स ग्रांटेड एंड एक्सपेक्टेशन प्रोमिस्ड वेल आफ्टर वॉचिंग शेखर्स मालूलाज लीडर्स इफ फेल्ट द मूवी माइट बी समथिंग ऑफ लाइक दैट बट इट्स नथिंग लाइक दैट द स्टोरी बींग विद ए बॉय नेम्ड भारत ओके हु इज ऑफर्ड टू सीट द सी एम आफ्टर द डेथ ऑफ हिज प्रेजेंट सी एम फादर ओके फाइनली सी ए पीपल्स फिल्म आई डोंट नो मच अबाउट मेकिंग सिनेमा सो दैट आई डिडंट हैव ए राइट डिलीवर इट डीपली एज एन ऑडियंस फॉर एवरी सीन्स स्पेशली द सीन रिगार्डिंग द मीडिया एंड न्यूज चैनल्स इज वेरी वेल प्रेजेंटेड भारत एन नेलू ए परफेक्ट मूवी विच डील्स एंड कॉन्टेम्पलेटेड इशूज इन ए सबटेल बट टचिंग वे द इशूज लाइक एजुकेशन रूरल प्रॉब्लम्स एंड ट्रैफिक्स आर गिवन ए गुड एंड रियल सोल्यूशंस दी सोल्यूशंस इफ रियली अडोप्टेड बाई एनी पोलिटिकल पार्टी माइट ब्रिंग ए वेरी वेरी गुड चांस इन द सोसाइटी महेश बाबू अपियर्स वंस अगेन विथ ए सॉलिड परफॉर्मेंस एंड डिलीवर इट विथ इजी एंड हिज स्टाइलिश लुक कलरफुल सॉन्ग्स एंड फ्यू पावर्स पैक डायलॉग्स सीन्स स्टैंड एज ए हाईलाइट फॉर द मूवी सीन्स बिफोर इंटरवेल एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस सीन्स विल बी पंप अप द ऑडियंस फैंस अनडाउटेबली एंड कियारा आडवाणी इज वेरी नाइस इन दिस मूवी बेस्ट फिल्म विथ पोलिटिकल थीम दिस फिल्म मस्ट बी ए milestone in superstar Mahesh Babu's career Korotala Shiva's direction is superb and kids within 12 years may not be able to understand the film concept but after watching movie they will becoming CM as their life goals okay I watched this movie in Tamil debut version so my views will offended by Telugu fans of MB and DSPs pro and good concept I love the local governance concept but varied script and screenplay great background score and one words disappointing apparently a political action drama but has rather politics no drama when you are making a movie based on politics at least to have some realism yes I understand it's a mainstream movie so the CM need to dance sing and even Bastian Gons single handily okay Bharat N.A. Nelu is a superb movie especially all the songs in the movie is very well portrayed you can't take yours can't take off your eyes from MB and during this songs this movie is a political drama CM's role is new to MB sirs everyone enjoy watching him as CM in movie and he has given his best especially the press meeting scene by far the best Mahesh Babu film ever he is substantially the truly amazing and yet he make your eyes met with his emoting abilities and a very good concept come to taking up issues like these and challenging ideas of challenge through the idea the lead actor in his films Mahesh was dumb good okay friends what a comeback king Mahesh movie was really inspiring for the future generations his acting and speeches were the top notch story gave importance to every aspect in the society by taking about responsibility awareness
फेयर एंड पार्टिसिपेशन इन ए डेमोक्रेसी एज द सिटीजन ऑफ इट। ये आल्स द सिनेमा व्यूअर्स द आई वॉचड द मूवी एंड दिस मूवी इज अ मैसेज ओरिएंटेड मूवी फॉर पॉलिटिशियंस एंड द मूवी स्टार्टेड विद महेश बाबू एज ए भारत राम एंड द फंटेस्टिक रोल ऑफ मिस्टर महेश राम। आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी आई इंडियन पॉलिटिक्स एंड इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड फॉर इंडिया वेरी नाइस मूवी सुपर्ब एक्शंस बाय महेश एज सीएम सेंसिबल डायरेक्शंस एंड डायरेक्टेड एंड डिटेल्ड स्क्रिप्ट एंड डायलॉग्स बाय डायरेक्टर्स एंड द बेस्ट म्यूजिशियन बैकग्राउंड्स एंड स्कोर्स बाय डीएसपी एंड कियाराज डिसेंट डेब्यूट परफॉर्मेंस एलिवेटेड बाय मूवीज इन टॉप नॉच। सम सीन्स लाइक असेंबली ऑफिशियल मीटिंग आर वेरी वेरी नाइस। बैन इज वन ऑफ द इलेक्ट्रिक फिल्म एंड द इंडियन पॉलिटिक्स सिनेरियोज सच ए फिल्म हैपन्स वंस इन ए ब्लू मून। द क्रेडिट गोज टू बोथ द डायरेक्टर्स एंड द प्रोटोजीनियस्ट इक्वली एज बोथ ऑफ दैम एक्सेबिज मूवी देन वाट दे आर सपोज टू डू एंड द सिंपल एंड क्लासी हीरो एंट्री महेश वन ऑफ द मैन शोज प्रकाश राज इज यूजल गुड्स हीरोइंस इज फाइन। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स मूवी वॉज विच हैज नो कॉन्ट्रोवर्शियल सीन्स। ओके आई मस्ट भारत एन एन एलू इज ए इंटरेस्टिंग एंड आई स्केचिंग पोलिटिकल ड्रामा। देर आर मैनी एलिमेंट्स बैंड सो सोसाइटी विदाउट गिविंग ए स्कोप ऑफ पाथ डिलीवर्ड विजनरी श्योर एज द ट्रूथ सो फेयरली दैट द एक्चुअली इज हैपनिंग बींग द वॉल ऑफ द कालेड ऑल टाइम फेवरेट फिल्म ऑफ माइन द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ ए सी एम शुड बी एंड लॉट ऑफ एक्सपेक्ट रेस्पेक्ट एंड लव फॉर द फिल्म ट्रू लव इज ब्यूटिफुली शोन। द मोस्ट इम्प्रेसिव पार्ट ऑफ द मूवी इज वैन महेश बाबू एड्रेस द मीडिया अबाउट हिज अफेयर विथ कियारा एंड दैट इज वासुमथीज डायलॉग्स वॉज ब्यूटिफुल एंड आई सोशीपेथ मैसेजिकल फिल्म एंड वॉज ए ओसम मूवी। महेश एक्टिंग वॉज ए गुड स्टाइलिश एंड कियारा आडवाणी लुक प्रिटी वेरी वेरी नाइस। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम साउथ की सुपर हिट मूवी और डेसिंग सुपर स्टार जी हाँ दोस्तों महेश बाबू और कियारा आडवाणी जिसमें प्रकाश राज ने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है उसकी मूवी भारत अन्ने नेलू जी हाँ दोस्तों 2018 में रिलीज हुई है। पॉलिटिक्स पे बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है और इसे हिंदी लैंग्वेज के अंदर डेसिंग CM करके नाम से रिलीज़ किया गया है जी हाँ दोस्तों। और इसमें अच्छी तरह से पॉलिटिक्स में जो भी चल रहा है देश में उसके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया है। तो आइए दोस्तों इस मूवी का ऑडियंस रिव्यू चेक करते हैं अपन। लेकिन दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें जी हाँ दोस्तों। अगर आप महेश बाबू के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सेंसिबल मूवी अबाउट ए लीडर। आई लाइक द tagline of the movie, the goal of real leader is to form a society that doesn't need a leader. Plot: Mahesh Babu holds 5 graduate degrees in UK, return back into India after hearing his father was dead due to health reasons. Since his father was chief minister, got a single word is enough to describe the movie. Should I say fantastic or extraordinary? The story narration was at its best the way Korotala Shiva Sri Sars and showed as was outstanding. Coming to superstar Mahesh Babu, he always performed at his best and proud to be a fan of him. His performance very nice. Bharat Anne Nelu is everything that we feel should be happen in real politics life. And in our society, not like any other politics dramas, this movie covers a variety of topics and problems that the government should be solved in the first
पैलेस बट द नेचर ऑफ द क्विड प्रो वो का हैपनिंग इन पॉलिटिक्स। ओके, बैंड डिलीवर्स ऑन ऑल 360 पैरामीटर्स ऑफ ए बैग ब्लॉकबास्टर फिल्म, इट हैज़ एवरीथिंग वर्किंग इट इन इट फेवर, बी इट द स्टार हीरो महेश बाबू हुज ब्रेजिली स्लीप्स इन टू द सीएम कैरेक्टर्स, और प्रकाश राज प्लेइंग हिज रोल विथ अपोलोम एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। भारत अन्य नेलू रिव्यू 4 आउट ऑफ 5, ओथ्स ग्रांटेड एंड एक्सपेक्टेशन प्रोमिस्ड वेल आफ्टर वॉचिंग शेखर्स मालूलाज लीडर्स, इफ फेल्ट द मूवी माइट बी समथिंग ऑफ लाइक दैट बट इट्स नथिंग लाइक दैट द स्टोरी बींग विद ए बॉय नेम्ड भारत। ओके, हु इज ऑफर्ड टू सीट द सी एम आफ्टर द डेथ ऑफ हिज प्रेजेंट सी एम फादर। ओके, फाइनली सी ए पीपल्स फिल्म, आई डोंट नो मच अबाउट मेकिंग सिनेमा सो दैट आई डिडंट हैव ए राइट डिलीवर टू डिलीवर इट डीपली एज एन ऑडियंस फॉर एवरी सीन्स, स्पेशली द सीन रिगार्डिंग द मीडिया एंड न्यूज चैनल्स इज वेरी वेल प्रेजेंटेड। भारत एन नेलू ए परफेक्ट मूवी विच डील्स एंड कॉन्टेम्पलेटेड इशूज इन ए सबटेल बट टचिंग वे। द इशूज लाइक एजुकेशन, रूरल प्रॉब्लम्स एंड ट्रैफिक्स आर गिवन ए गुड एंड रियल सोल्यूशंस। दी सोल्यूशंस इफ रियली अडोप्टेड बाई एनी पोलिटिकल पार्टी माइट ब्रिंग ए वेरी वेरी गुड चांस इन द सोसाइटी। महेश बाबू अपियर्स वंस अगेन विथ ए सॉलिड परफॉर्मेंस एंड डिलीवर इट विथ इजी एंड हिज स्टाइलिश लुक, कलरफुल सॉन्ग्स एंड फ्यू पावर्स पैक डायलॉग्स सीन्स स्टैंड एज ए हाईलाइट फॉर द मूवी। सीन्स बिफोर इंटरवेल एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस सीन्स विल बी पंप अप द ऑडियंस फैंस अनडाउटेबली। एंड कियारा आडवाणी इज वेरी नाइस इन दिस मूवी। बेस्ट फिल्म विथ पोलिटिकल थीम, दिस फिल्म मस्ट बी ए माइल स्टोन इन सुपर स्टार महेश बाबूज करियर। कोरोटाला शिवाज डायरेक्शन इज सुपर्ब एंड किड्स विद इन 12 ईयर्स मे नॉट बी एबल अंडरस्टैंड द फिल्म कंसेप्ट बट आफ्टर वॉचिंग मूवी दे विल बिकमिंग सी एम एज दियर लाइफ गोल्स। ओके, आई वॉच दिस मूवी इन तमिल डेब्यूट वर्जन सो माई व्यूज विल ऑफेंडेड बाई तेलुगु फैंस ऑफ एम बी एंड डी एस पी इज प्रो एंड गुड कंसेप्ट। आई लव द लोकल गवर्नेंस कंसेप्ट बट वेरिड स्क्रिप्ट एंड स्क्रीन प्ले, ग्रेट बैकग्राउंड स्कोर एंड वन वर्ड्स डिसअपॉइंटिंग्स। अपरेंटली ए पोलिटिकल एक्शन ड्रामा बट हैज रेदर पोलिटिकल पॉलिटिक्स नो ड्रामा। वैन यू आर मेकिंग ए मूवी बेस्ड ऑन पोलिटिक्स एट लीस्ट टू हैव सम रिलीज्म। यस, आई अंडरस्टैंड इट्स ए मैन स्ट्रीम मूवी सो द सी एम नीड टू डांस सिंग एंड इवन बास्टेन गोन्स सिंगल हैंडली। ओके, भारत एन ए नेलू इज ए सुपर्ब मूवी, स्पेशली ऑल द सॉन्ग्स इन द मूवी इज वेरी वेल पोर्ट्रेड। यू कांट टेक ऑफ योर्स आईज फ्रॉम एम बी एंड ड्यूरिंग दिस सॉन्ग्स। दिस मूवी इज ए पोलिटिकल ड्रामा, सी एम्स रोल इज न्यू टू एम बी सर्स। एवरी वन एंजॉय वॉचिंग हिम एज सी एम इन मूवी एंड ही हैज़ गिवन हिज बेस्ट, स्पेशली द फ्रेश मीटिंग सीन। बाई फार द बेस्ट महेश बाबू फिल्म एवर, ही इज सबस्टेंटली द ट्रूली अमेजिंग एंड येट ही मेक योर आईज मेट विथ हिज इमोटिंग एबिलिटीज एंड वेरी गुड कंसेप्ट कम टू टेकिंग अप इशूज लाइक दिस एंड चैलेंजिंग आइडियाज ऑफ चैलेंज थ्रो द आइडिया द लीड एक्टर इन हिज फिल्म महेश वॉज डम गुड। ओके फ्रेंड्स, वॉट ए कम बैक
किंग महेश मूवी वॉज रियली इंस्पायरिंग फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। हिज एक्टिंग एंड स्पीचेज वर द टॉप नॉच। स्टोरी गेव इम्पोर्टेंस टू एवरी आस्पेक्ट इन द सोसाइटी बाई टेकिंग अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेयरनेस फियर एंड पार्टिसिपेशन इन ए डेमोक्रेसी एज द सिटीजन ऑफ इट। ही ऑल्स द सिनेमा व्यूअर्स द आई वॉचड द मूवी एंड दिस मूवी इज अ मैसेज ओरिएंटेड मूवी फॉर पॉलिटिशियंस एंड द मूवी स्टार्टेड विद महेश बाबू एज ए भारत राम एंड द फंटेस्टिक रोल ऑफ मिस्टर महेश राम। आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी आई इंडियन पॉलिटिक्स एंड फॉर इंडिया वेरी नाइस मूवी सुपर्ब एक्शंस बाय महेश एज सीएम सेंसिबल डायरेक्शंस एंड डायरेक्टेड एंड डिटेल्ड स्क्रिप्ट्स एंड डायलॉग्स बाय डायरेक्टर्स एंड द बेस्ट म्यूजिशियन बैकग्राउंड्स एंड स्कोर्स बाय डीएसपी एंड कियाराज डिसेंट डेब्यूट परफॉर्मेंस एलिवेटेड बाय मूवीज इन टॉप नॉच। सम सीन्स लाइक असेंबली ऑफिशियल मीटिंग्स आर वेरी वेरी नाइस। बैन इज वन ऑफ द इलेक्ट्रिक फिल्म्स एंड द इंडियन पॉलिटिक्स सिनेरियोज सच ए फिल्म हैपन्स वंस इन ए ब्लू मून। द क्रेडिट गोज टू बोथ द डायरेक्टर्स एंड द प्रोटोजीनियस्ट इक्वली एज बोथ ऑफ दैम एक्सेबिज मूवी देन वाट दे आर सपोज टू डू एंड द सिंपल एंड क्लासी हीरो एंट्री महेश वन ऑफ द मैन शोज। प्रकाश राज इज यूजल गुड्स हीरोइंस इज फाइन। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स मूवी वॉज विच हैज़ नो कॉन्ट्रोवर्शियल सीन्स। ओके आई मस्ट भारत एन ए नेलू इज ए इंटरेस्टिंग एंड आई स्केचिंग पोलिटिकल ड्रामा। देर आर मैनी एलिमेंट्स बैंड सोसाइटी विदाउट गिविंग ए स्कोप ऑफ पाथ डिलीवर्ड विजनरी शोड एज द ट्रूथ सो फेयरली दैट द एक्चुअली इज हैपनिंग बींग द वॉल ऑफ द कॉलेड एंड ऑल टाइम फेवरेट फिल्म ऑफ माइन। द बेस्ट रिप्रजेंटेशन ऑफ हाउ ए सी एम शुड बी एंड लॉट ऑफ एक्सपेक्ट रेस्पेक्ट एंड लव फॉर द फिल्म। ट्रू लव इज ब्यूटिफुली शोन। द मोस्ट इम्प्रेसिव पार्ट ऑफ द मूवी इज वैन महेश बाबू एड्रेस द मीडिया अबाउट हिज अफेयर विथ कियारा एंड दैट इज वासुमथीज डायलॉग्स वॉज ब्यूटिफुल एंड आई सोशीपेथ मैसेजिकल फिल्म एंड वॉज ए ओसम मूवी। महेश एक्टिंग वॉज ए गुड स्टाइलिश एंड कियारा आडवाणी लुक प्रिटी वेरी वेरी नाइस। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम साउथ की सुपर हिट मूवी और डैशिंग सुपर स्टार जी हाँ दोस्तों महेश बाबू और कियारा आडवाणी जिसमें प्रकाश राज ने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है उसकी मूवी भारत अन्ने नेलू। जी हाँ दोस्तों 2018 में रिलीज हुई है। पॉलिटिक्स पे बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है और इसे हिंदी लैंग्वेज के अंदर डैशिंग सीएम करके नाम से रिलीज़ किया गया है। जी हाँ दोस्तों, और इसमें अच्छी तरह से पॉलिटिक्स में जो भी चल रहा है देश में उसके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया है। तो आइए दोस्तों इस मूवी का ऑडियंस रिव्यू चेक करते हैं अपन। लेकिन दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप महेश बाबू के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सेंसेबल मूवी अबाउट ए लीडर। आई लाइक द टैगलाइन ऑफ द मूवी। द गोल ऑफ रियल लीडर इज टू फॉर्म ए सोसाइटी दैट डजंट नीड ए लीडर। प्लॉट महेश बाबू होल्ड्स 5 ग्रेजुएट डिग्रीज इन UK रिटर्न बैक इन टू इंडिया आफ्टर हियरिंग हिज फादर्स वॉज डेड ड्यू टू हेल्थ रीजन सिंस हिज फादर वॉज चीफ मिनिस्टर्स गोट ए सिंगल वर्ड इज इनफ टू डिस्क्राइब द मूवी शुड आई से फैंटेस्टिक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। द स्टोरी नरेशन वॉज एट इट्स बेस्ट द वे कोरोडाला शिवा श्री सर्स एंड शोड एज वॉज आउटस्टैंडिंग। कमिंग टू सुपर स्टार महेश बाबू ही ऑलवेज परफॉर्म एट हिज बेस्ट एंड प्राउड टू बी ए फैन ऑफ हिम। हिज परफॉर्मेंस वेरी नाइस। भारत एन ए नेलू
इज एवरी थिंग दैट वी फील शुड बी हैपन इन रियल पॉलिटिक्स लाइफ एंड इन आवर सोसाइटी, नॉट लाइक एनी अदर पॉलिटिक्स ड्रामाज. दिस मूवी कवर्स ए वेराइटी ऑफ टॉपिक्स एंड प्रॉब्लम्स दैट द गवर्नमेंट शुड बी सॉल्व इन द फर्स्ट पैलेस, बट द नेचर ऑफ द क्विड प्रो क्वो का हैपनिंग इन पॉलिटिक्स. ओके. बैंड डिलीवर्स ऑन ऑल 360 पैरामीटर्स ऑफ ए बैग ब्लॉकबास्टर फिल्म. इट हैज़ एवरीथिंग वर्किंग इट इन इट फेवर, बी इट द स्टार हीरो महेश बाबू हुज ब्रेजिली स्लीप्स इन टू द सी एम कैरेक्टर्स, और प्रकाश राज प्लेइंग हिज रोल विथ अपोलोम एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. भारत अन्ने नेलू रिव्यू 4 out of 5 ओथ्स ग्रांटेड एंड एक्सपेक्टेशन प्रोमिस्ड वेल आफ्टर वॉचिंग शेखर्स मालूलाज लीडर्स इफ फेल्ट द मूवी माइट बी समथिंग ऑफ लाइक दैट, बट इट्स नथिंग लाइक दैट. द स्टोरी बींग विद ए बॉय नेम्ड भारत. ओके. हु इज ऑफर्ड टू सीट द सी एम आफ्टर द डेट ऑफ हिज प्रेजेंट सी एम फादर. ओके. फाइनली सी ए पीपल्स फिल्म. आई डोंट नो मच अबाउट मेकिंग सिनेमा सो दैट आई डिडंट हैव ए राइट डिलीवर इट डीपली एज एन ऑडियंस फॉर एवरी सीन्स, स्पेशली द सीन रिगार्डिंग द मीडिया एंड न्यूज चैनल्स इज वेरी वेल प्रेजेंटेड. भारत एन नेलू ए परफेक्ट मूवी विच डील्स एंड कॉन्टेम्पलेटेड इशूज इन ए सबटेल बट टचिंग वे. द इशूज लाइक एजुकेशन, रूरल प्रॉब्लम्स एंड ट्रैफिक्स आर गिवन ए गुड एंड रियल सोल्यूशंस. दी सोल्यूशंस इफ रियली अडोप्टेड बाई एनी पोलिटिकल पार्टी माइट ब्रिंग ए वेरी वेरी गुड चांस इन द सोसाइटी. महेश बाबू अपियर्स वंस अगेन विथ ए सॉलिड परफॉर्मेंस एंड डिलीवर इट विथ ईजी एंड हिज स्टाइलिश लुक, कलरफुल सॉन्ग्स एंड फ्यू पावर्स पैक डायलॉग्स सीन्स स्टैंड एज ए हाईलाइट फॉर द मूवी. सीन्स बिफोर इंटरवेल एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस सीन्स विल बी पंप अप द ऑडियंस फैंस अनडाउटेबली. एंड कियारा आडवाणी इज वेरी नाइस इन दिस मूवी. बेस्ट फिल्म विथ पोलिटिकल थीम. दिस फिल्म मस्ट बी ए माइल स्टोन इन सुपर स्टार महेश बाबूज करियर. कोरोटाला शिवाज डायरेक्शन इज सुपर्ब एंड किड्स विद इन 12 ईयर्स मे नॉट बी एबल अंडरस्टैंड द फिल्म कंसेप्ट, बट आफ्टर वॉचिंग मूवी दे विल बिकमिंग सी एम एज दियर लाइफ गोल्स. ओके. आई वॉच दिस मूवी इन तमिल डेब्यूट वर्जन, सो माई व्यूज विल ऑफेंडेड बाई तेलुगु फैंस ऑफ एमबी एंड डीएसपी प्रो एंड गुड कंसेप्ट. आई लव द लोकल गवर्नेंस कंसेप्ट बट वेरिड स्क्रिप्ट एंड स्क्रीन प्ले, ग्रेट बैकग्राउंड स्कोर एंड वन वर्ड्स डिसअपॉइंटिंग्स. Apparently a political action drama but has rather politics, no drama. When you are making a movie based on politics, at least to have some realism. Yes, I understand it's a mainstream movie, so the CM need to dance, sing and even Bastian Gons single-handedly. ओके. भारत एन ए नेलू इज ए सुपर्ब मूवी, स्पेशली द ऑल द सॉन्ग्स इन द मूवी इज वेरी वेल पोर्ट्रेड. यू कांट टेक ऑफ योर्स आईज फ्रॉम एमबी एंड ड्यूरिंग दिस सॉन्ग्स. दिस मूवी इज ए पॉलिटिकल ड्रामा. सीएम्स रोल इज न्यू टू एम्बिसर्स. एवरीवन एंजॉय वॉचिंग हिम ए सीएम इन मूवी and he has given his best, especially the press meeting scene. By far the best Mahesh Babu film ever. He is substantially the truly amazing and yet he make your eyes met with his emoting abilities
एंड अ वेरी गुड कंसेप्ट कम टू टेकिंग अप इशूज लाइक दिस एंड चैलेंजिंग आइडियाज ऑफ चैलेंज थ्रो द आइडिया द लीड एक्टर इन हिज फिल्म महेश वॉज डम गुड। ओके फ्रेंड्स, व्हाट ए कम बैक किंग महेश। मूवी वॉज रियली इंस्पायरिंग फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। हिज एक्टिंग एंड स्पीचेज वर द टॉप नॉच। स्टोरी गेव इम्पोर्टेंस टू एवरी आस्पेक्ट इन द सोसाइटी बाई टेकिंग अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेयरनेस फियर एंड पार्टिसिपेशन इन ए डेमोक्रेसी एज द सिटीजन ऑफ इट। ही ऑल्स द सिनेमा व्यूअर्स आई वॉचड द मूवी एंड दिस मूवी इज अ मैसेज ओरिएंटेड मूवी फॉर पॉलिटिशियंस एंड द मूवी स्टार्टेड विद महेश बाबू एज ए भारत राम एंड द फंटेस्टिक रोल ऑफ मिस्टर महेश राम। आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी आई इंडियन पॉलिटिक्स एंड इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड फॉर इंडिया वेरी नाइस मूवी। सुपर्ब एक्शंस बाय महेश एज सीएम। सेंसिबल डायरेक्शंस एंड डायरेक्टेड एंड डिटेल्ड स्क्रिप्ट एंड डायलॉग्स बाय डायरेक्टर्स एंड द बेस्ट म्यूजिशियन बैकग्राउंड्स एंड स्कोर्स बाय डीएसपी एंड कियाराज। डिसेंट डेब्यूट परफॉर्मेंस एलिवेटेड बाय मूवीज इन टॉप नॉच। सम सीन्स लाइक असेंबली ऑफिशियल मीटिंग्स आर वेरी वेरी नाइस। बैन इज वन ऑफ द इलेक्ट्रिक फिल्म्स एंड द इंडियन पॉलिटिक्स सिनेरियोज। सच ए फिल्म्स हैपन्स वंस इन ए ब्लू मून। द क्रेडिट गोज टू बोथ द डायरेक्टर्स एंड द प्रोटोजीनियस्ट इक्वली एज बोथ ऑफ देम एक्सेबिज मूवी देन वाट दे आर सपोज टू डू एंड द सिंपल एंड क्लासी हीरो एंट्री। महेश वन ऑफ द मैन शोज। प्रकाश राज इज यूजल गुड्स। हीरोइंस इज फाइन। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स मूवी वॉज विच हैज नो कॉन्ट्रोवर्शियल सीन्स। ओके आई मस्ट से भारत एन ए नेलू इज ए इंटरेस्टिंग एंड आईज कैचिंग पोलिटिकल ड्रामा। देर आर मैनी एलिमेंट्स बैंड सोसाइटी विदाउट गिविंग ए स्कोप ऑफ पाथ डिलीवर्ड विजनरी शोड एज द ट्रूथ सो फेयरली दैट द एक्चुअली इज हैपनिंग बींग द वॉल ऑफ द कॉलेड एंड ऑल टाइम फेवरेट फिल्म ऑफ माइन। The best representation of how a CM should be and lot of respect and love for the film. True love is beautifully shown. The most impressive part of the movie is when Mahesh Babu addressed the media about his affair with Kiara and that is Vasumathi's dialogues was beautiful and I sociopath messageical film and was a awesome movie. Mahesh acting was a good stylish and Kiara Advani looked pretty very very nice. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम साउथ की सुपर हिट मूवी और डेसिंग सुपर स्टार जी हाँ दोस्तों महेश बाबू और कियारा आडवाणी जिसमें प्रकाश राज ने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है उसकी मूवी भारत अन्ने नेलू जी हाँ दोस्तों 2018 में रिलीज हुई है। पॉलिटिक्स पे बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है और इसे हिंदी लैंग्वेज के अंदर डेसिंग सीएम करके नाम से रिलीज किया गया है जी हाँ दोस्तों। और इसमें अच्छी तरह से पॉलिटिक्स में जो भी चल रहा है देश में उसके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया है। तो आइए दोस्तों इस मूवी का ऑडियंस रिव्यू चेक करते हैं अपन। लेकिन दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें जी हाँ दोस्तों। अगर आप महेश बाबू के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सेंसेबल मूवी अबाउट ए लीडर। आई लाइक द टैग लाइन ऑफ द मूवी। द गोल ऑफ रियल लीडर इज टू फॉर्म ए सोसाइटी दैट डजेंट नीड ए लीडर। प्लॉट महेश बाबू होल्ड्स 5 ग्रेजुएट डिग्रीज इन यू के रिटर्न बैक इन टू इंडिया आफ्टर हियरिंग हिज फादर्स वॉज डेड ड्यू टू हेल्थ रीजन सिंस हिज फादर वॉज चीफ मिनिस्टर्स गोट ए सिंगल वर्ड इज इनफ टू डिस्क्राइब द मूवी शुड आई से फंटेस्टिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। द स्टोरी नरेशन वॉज एट इट्स बेस्ट द वे
कोरोटाला शिवा श्री सर्स एंड शोड एज वॉज आउटस्टैंडिंग कमिंग टू सुपर स्टार महेश बाबू ही ऑलवेज परफॉर्म एट हिज बेस्ट एंड प्राउड टू बी ए फैन ऑफ हिम हिज परफॉर्मेंस वेरी नाइस भारत एने नेलू इज एवरी थिंग दैट वी फील शुड बी हैपन इन रियल पॉलिटिक्स लाइफ एंड इन आवर सोसाइटी नॉट लाइक एनी अदर पॉलिटिक्स ड्रामाज दिस मूवी कवर्स ए वेराइटी ऑफ टॉपिक्स एंड प्रॉब्लम्स दैट द गवर्नमेंट शुड बी सॉल्व इन द फर्स्ट प्लेस बट द नेचर ऑफ द क्विड प्रो वो का हैपनिंग इन पॉलिटिक्स ओके बैंड डिलीवर्स ऑन ऑल 360 पैरामीटर्स ऑफ ए बैग ब्लॉकबास्टर फिल्म इट हैज़ एवरीथिंग वर्किंग इट इन इट फेवर बी इट द स्टार हीरो महेश बाबू हुज ब्रेजिली स्लीप्स इन टू द सीएम कैरेक्टर्स और प्रकाश राज प्लेइंग हिज रोल विथ अपोलोम एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग भारत अन्ने नेलू रिव्यू 4 आउट ऑफ 5 ओथ्स ग्रांटेड एंड एक्सपेक्टेशन प्रोमिस्ड वेल आफ्टर वॉचिंग शेखर्स मालूलाज लीडर्स इफ फेल्ट द मूवी माइट बी समथिंग ऑफ लाइक दैट बट इट्स नथिंग लाइक दैट द स्टोरी बींग विद ए बॉय नेम्ड भारत ओके हु इज ऑफर्ड टू सीट द सीएम आफ्टर द डेथ ऑफ हिज प्रेजेंट सीएम फादर ओके फाइनली सी ए पीपल्स फिल्म आई डोंट नो मच अबाउट मेकिंग सिनेमा सो दैट आई डिडेंट हैव ए राइट डिलीवर इट डीपली एज एन ऑडियंस फॉर एवरी सीन्स स्पेशली द सीन रिगार्डिंग द मीडिया एंड न्यूज चैनल्स इज वेरी वेल प्रेजेंटेड भारत एन नेलू ए परफेक्ट मूवी विच डील्स एंड कॉन्टेम्पलेटेड इशूज इन ए सबटेल बट टचिंग वे द इशूज लाइक एजुकेशन रूरल प्रॉब्लम्स एंड ट्रैफिक्स आर गिवन ए गुड एंड रियल सोल्यूशंस दी सोल्यूशंस इफ रियली अडोप्टेड बाय एनी पोलिटिकल पार्टी माइट ब्रिंग ए वेरी वेरी गुड चांस इन द सोसाइटी महेश बाबू अपियर्स वंस अगेन विथ ए सॉलिड परफॉर्मेंस एंड डिलीवर इट विथ इजी एंड हिज स्टाइलिश लुक कलरफुल सॉन्ग्स एंड फ्यू पावर्स पैक डायलॉग्स सीन्स स्टैंड एज ए हाईलाइट फॉर द मूवी सीन्स बिफोर इंटरवेल एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस सीन्स विल बी पंप अप द ऑडियंस फैंस अनडाउटेबली एंड कियारा आडवाणी इज वेरी नाइस इन दिस मूवी बेस्ट फिल्म विथ पोलिटिकल थीम दिस फिल्म मस्ट बी ए माइल स्टोन इन सुपर स्टार महेश बाबूज करियर कोरोटाला शिवाज डायरेक्शन इज सुपर्ब एंड किड्स विद इन 12 ईयर्स मे नॉट बी एबल अंडरस्टैंड द फिल्म कंसेप्ट बट आफ्टर वॉचिंग मूवी दे विल बिकमिंग सीएम एज दियर लाइफ गोल्स ओके आई वॉच दिस मूवी इन तमिल डेब्यूट वर्जन सो माई व्यूज विल ऑफेंडेड बाई तेलुगु फैंस ऑफ एम बी एंड डी एस पी इज प्रो एंड गुड कंसेप्ट आई लव द लोकल गवर्नेंस कंसेप्ट बट वेरिड स्क्रिप्ट एंड स्क्रीन प्ले ग्रेट बैकग्राउंड स्कोर एंड वन वर्ड्स डिसअपॉइंटिंग्स अपरेंटली ए पोलिटिकल एक्शंस ड्रामा बट हैज रेदर पोलिटिकल पॉलिटिक्स नो ड्रामा वैन यू आर मेकिंग ए मूवी बेस्ड ऑन पोलिटिक्स एटलीस्ट हैव सम रिलीज्म यस आई अंडरस्टैंड इट्स ए मैन स्ट्रीम मूवी सो द सी एम नीड टू डांस सिंग एंड इवन बास्टेन गोन्स सिंगल हैंडली ओके भारत एने नेलू इज ए सुपर्ब मूवी स्पेशली द ऑल द सॉन्ग्स इन द मूवी इज वेरी वेल पोर्ट्रेड यू कांट टेक योर्स कांट टेक ऑफ योर्स आईज फ्रॉम एम बी एंड ड्यूरिंग दिस सॉन्ग्स दिस मूवी इज ए पोलिटिकल ड्रामा सी एम्स रोल इज न्यू टू एम बी सर्स एवरी वन एंजॉय वॉचिंग हिम एस सी एम इन मूवी
एंड ही हैज़ गिवन हिज बेस्ट स्पेशली द फ्रेश मीटिंग सीन्स बाय फार द बेस्ट महेश बाबू फिल्म एवर ही इज सबस्टेंटली द ट्रूली अमेजिंग एंड येट ही मेक योर आईज मेट विथ हिज इमोटिंग एबिलिटीज एंड वेरी गुड कंसेप्ट कम टू टेकिंग अप इशूज लाइक दिस एंड चैलेंजिंग आइडियाज ऑफ चैलेंज थ्रो द आइडिया द लीड एक्टर इन हिज फिल्म महेश वॉज डम गुड। ओके फ्रेंड्स, वॉट ए कम बैक किंग महेश मूवी वॉज रियली इंस्पायरिंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन हिज एक्टिंग एंड स्पीचेज वर द टॉप नॉच स्टोरी गेव इम्पोर्टेंस टू एवरी आस्पेक्ट इन द सोसाइटी बाई टेकिंग अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेयरनेस फियर एंड पार्टिसिपेशन इन ए डेमोक्रेसी एज द सिटीजन ऑफ इट। ही आल्स द सिनेमा व्यूअर्स आई वॉचड द मूवी एंड दिस मूवी इज अ मैसेज ओरिएंटेड मूवी फॉर पॉलिटिशियंस एंड द मूवी स्टार्टेड विद महेश बाबू एज ए भारत राम एंड द फंटेस्टिक रोल ऑफ मिस्टर महेश राम। आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी आई इंडियन पॉलिटिक्स एंड इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड फॉर इंडिया वेरी नाइस मूवी सुपर्ब एक्शंस बाय महेश एज सीएम सेंसिबल डायरेक्शंस एंड डायरेक्टेड एंड डिटेल्ड स्क्रिप्ट्स एंड डायलॉग्स बाय डायरेक्टर्स एंड द बेस्ट म्यूजिशियन बैकग्राउंड्स एंड स्कोर्स बाय डीएसपी एंड कियाराज डिसेंट डेब्यूट परफॉर्मेंस एलिवेटेड बाय मूवीज इन टॉप नॉच। Some scenes like assembly, official meetings are very very nice. Ben is one of the electric films and the Indian politics scenarios. Such a films happens once in a blue moon. The credit goes to both the directors and the protagonist equally, as both of them exhibition movie than what they are supposed to do and the simple and classy hero entry Mahesh one of the main shows Prakash Raj is usual goods heroines is fine. I think this is the first kind of politics movie was which has no controversial scenes. Okay, I must say Bharat N.N. Nelu is a interesting and eye-catching political drama. There are many elements bends of society without giving a scope of path delivered visionary showed as the truth and so fairly that the actually is happening being the wall of the Khaled and all time favorite films of mine the best representation of how a CM should be and lot of respect and love for the film. True love is beautifully shown. The most impressive part of the movie is when Mahesh Babu addressed the media about his affair with Kiara. And that is Vasumathi's dialogues was beautiful. And I sociopath messageical film and was an awesome movie. Mahesh acting was good, stylish and Kiara Advani looked pretty very very nice. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम साउथ की सुपर हिट मूवी और डेसिंग सुपर स्टार जी हाँ दोस्तों महेश बाबू और कियारा आडवाणी जिसमें प्रकाश राज ने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है उसकी मूवी भारत अन्ने नेलू जी हाँ दोस्तों 2018 में रिलीज हुई है। पॉलिटिक्स पे बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली और इसे हिंदी लैंग्वेज के अंदर डेसिंग सीएम करके नाम से रिलीज़ किया गया है जी हाँ दोस्तों। और इसमें अच्छी तरह से पॉलिटिक्स में जो भी चल रहा है देश में उसके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया है। तो आइए दोस्तों इस मूवी का ऑडियंस रिव्यू चेक करते हैं अपन। लेकिन दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप महेश बाबू के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सेंसेबल मूवी अबाउट ए लीडर। आई लाइक द tagline of the movie. The goal of real leader is to form a society that doesn't need a leader. Plot: Mahesh Babu holds 5 graduate degrees in UK, return back into India after
हियरिंग हिज फादर्स वॉज डेड ड्यू टू हेल्थ रीजन सिंस हिज फादर वॉज चीफ मिनिस्टर्स गोट ए सिंगल वर्ड इज इनफ टू डिस्क्राइब द मूवी शुड आई से फैंटेस्टिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी द स्टोरी नरेशन वॉज एट इट्स बेस्ट द वे कोरोडाला शिवा श्री सर्स एंड शोड एज वॉज आउटस्टैंडिंग कमिंग टू सुपर स्टार महेश बाबू ही ऑलवेज परफॉर्म एट हिज बेस्ट एंड प्राउड टू बी ए फैन ऑफ हिम हिज परफॉर्मेंस वेरी नाइस भारत एन ए नेलू इज एवरी थिंग दैट वी फील शुड बी हैपन इन रियल पॉलिटिक्स लाइफ एंड इन आवर सोसाइटी नॉट लाइक एनी अदर पॉलिटिक्स ड्रामाज दिस मूवी कवर्स ए variety of topics and problems that the government should be solved in the first place but the nature of the quid pro quo happening in politics okay band delivers on all 360 parameters of a big blockbuster film it has everything working it in it favor be it the star hero Mahesh Babu whose Brazili sleeps into the CM characters or Prakash Raj playing his role with aplomb and very very interesting Bharat Anne Nelu review 4 out of 5 oaths granted and expectation promised well after watching Shekhar's Malula's leaders if felt the movie might be something of like that but it's nothing like that the story being with a boy named Bharat okay who is offered to seat the CM after the death of his present CM father okay finally see a people's film I don't know much about making cinema so that I didn't have a right to deliver it deeply as an audience for every scene especially the scene regarding the media and news channels is very well presented Bharat and Nelu a perfect movie which deals and contemplated issues in a subtle but touching way The issues like education, rural problems and traffics are given a good and real solutions. These solutions, if really adopted by any political party, might bring a very very good chance in the society. Mahesh Babu appears once again with a solid performance and deliver it with easy. And his stylish look, colorful songs and few power-packed dialogues scenes stand as a highlight for the movie. Scenes before interval and press conference scenes will be pump up the audience fans undoubtedly. And Kiara Advani is very nice in this movie. Best films with political theme. This film must be a milestone in superstar Mahesh Babu's career. Korotala Shiva's direction is superb and kids within 12 years may not be able to understand the film concept but after watching movie they will becoming CM as their life goals. Okay, I watched this movie in Tamil debut version so my views will offended by Telugu fans of MB and DSPs pro and good concept I love the local governance concept but varied script and screenplay great background score and one words disappointing apparently a political action drama but has rather politics no drama when you are making a movie based on politics at least to have some realism yes I understand it's a mainstream movie so the CM need to dance sing and even Bastian Gons single handily okay Bharat N.A. Nelu is a superb movie especially all the songs in the movie is very well
पोर्टेड यू कांट टेक ऑफ योर्स आईज फ्रॉम एमबी एंड ड्यूरिंग दिस सॉन्ग्स दिस मूवी इज ए पॉलिटिकल ड्रामा सीएम्स रोल इन न्यू टू एमबी सर्स एवरी वन एंजॉय वॉचिंग हिम एज सीएम इन मूवी एंड ही हैज़ गिवन हिज बेस्ट स्पेशली द प्रेस मीटिंग सीन बाई फार द बेस्ट महेश बाबू फिल्म एवर हिज सबस्टेंटली द ट्रूली अमेजिंग एंड येट ही मेक योर आईज मेट विथ हिज इमोटिंग एबिलिटीज एंड वेरी गुड कंसेप्ट कम टू टेकिंग अप इशूज लाइक दिस एंड चैलेंजिंग आइडियाज ऑफ चैलेंज थ्रो द आइडिया द लीड एक्टर इन हिज फिल्म महेश वॉज डम गुड ओके फ्रेंड्स वॉट ए कम बैक किंग महेश मूवी वॉज रियली इंस्पायरिंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन हिज एक्टिंग एंड स्पीचेज वर द टॉप नॉच स्टोरी गेव इम्पोर्टेंस टू एवरी आस्पेक्ट इन द सोसाइटी बाई टेकिंग अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेयरनेस फियर एंड पार्टिसिपेशन इन ए डेमोक्रेसी एज द सिटीजन ऑफ इट ही आल्स द सिनेमा व्यूअर्स आई वॉचड द मूवी एंड दिस मूवी इज अ मैसेज ओरिएंटेड मूवी फॉर पॉलिटिशियंस एंड द मूवी स्टार्टेड विद महेश बाबू एज ए भारत राम एंड द फंटेस्टिक रोल ऑफ मिस्टर महेश राम आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी आई इंडियन पॉलिटिक्स एंड इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड फॉर इंडिया वेरी नाइस मूवी सुपर्ब एक्शंस बाय महेश एज सी एम सेंसिबल डायरेक्शंस एंड डायरेक्टेड एंड डिटेल्ड स्क्रिप्ट्स एंड डायलॉग्स बाय डायरेक्टर्स एंड द बेस्ट म्यूजिशियन बैकग्राउंड्स एंड स्कोर्स बाय डीएसपी एंड कियाराज डिसेंट डेब्यूट परफॉर्मेंस एलिवेटेड बाय मूवीज इन टॉप नॉच Some scenes like assembly, official meetings are very very nice. Ben is one of the electric films and the Indian politics scenarios. Such a film happens once in a blue moon. The credit goes to both the directors and the protagonist equally as both of them exhibit a movie than what they are supposed to do and the simple and classy hero entry Mahesh one of the main shows Prakash Raj is usual goods heroines is fine I think this is the first kind of politics movie was which has no controversial scenes okay I must say Bharat Annanelu is a interesting and eye-catching political drama there are many elements bends of society without giving a scope of path delivered visionary showed as the truth and so fairly that the actually is happening being the wall of the colored and all time favorite films of mine the best representation of how a CM should be and lot of respect and love for the film True love is beautifully shown. The most impressive part of the movie is when Mahesh Babu addressed the media about his affair with Kiara. And that is Vasumathi's dialogues was beautiful. And I sociopath messagical film and was an awesome movie. Mahesh acting was good, stylish and Kiara Advani looked pretty very very.